हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 इंडेक्स 116 लीजेस रिवाइज करवाने वाला हूँ। ये इंडेक्स ऑलरेडी अपन ने पूरा कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लिए थे, तो अभी मैं आपको पूरे कंसेप्ट वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, इस इंडेक्स में आप क्या सीख रहे हो, लीजेस नाम से आपको क्या समझ में आता है। लीजेस का मतलब होता है रेंट, यानी कोई भी असेट आप रेंट पे लेते हो या कोई भी असेट आप रेंट पे देते हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, बस वो ये इंडेक्स आपको बताने वाला है। यानी किसी भी पर्टिकुलर असेट को आपने रेंट पे लिया या रेंट पे दिया तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे। अगर कोई इंसान किसी असेट को रेंट पे देता है तो उस इंसान को हम बोलते हैं लेसर, और अगर मैं किसी असेट को रेंट पे लेता हूं तो मैं अपने आप को बोलूंगा लेसी। यानी जो इंसान असेट को रेंट पे लेता है वो होता है लेसी, और जो असेट को रेंट पे देता है वो होता है लेसर। यानी लेसर अपनी बुक्स में असेट को रेंट पे देने की अकाउंटिंग कैसे करेगा, और लेसी अपनी बुक्स में असेट को रेंट पे लेने की अकाउंटिंग कैसे करेगा, ये आप इंडेक्स 116 में सीख रहे थे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं लीज का क्या मतलब है। तो लीज की एक डेफिनेशन दे रखी है इस इंडेक्स ने, वो रीड कर लीजिए आप। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोवाइड्स राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड असेट टू लेसी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। ये डेफिनेशन इस इंडेक्स ने दे रखी है, जिसको मैंने आपको सिंपल करके समझा दिया है। बस रेंट है इसका मीनिंग और कुछ भी नहीं, एकदम फालतू डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लीज का कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लेसी के पास एक असेट, एक आइडेंटिफाइड असेट, यानी उस असेट को आइडेंटिफाई करके रख रखा है कि ये वाली मशीन या ये वाली बिल्डिंग आपको हम यूज करने के लिए दे रहे हैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। फ्री में कुछ नहीं जाता, सब कुछ पैसे के बदले होता है। बिना पैसे के अगर लीज पे कोई असेट जा रही है या आ रही है तो उसकी अकाउंटिंग क्या ही कर लोगे, अकाउंटिंग होती ही मनी के टर्म्स में। ठीक है, तो ये लीज की डेफिनेशन है जिसका अकाउंटिंग करने से कोई लेना देना नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद देखिए, आपको जो चीज जानना जरूरी है वो है डेट ऑफ लीज। लीज के जब भी आप क्वेश्चन करेंगे या प्रैक्टिकल लाइफ में भी लीज के लिए आपको दो डेट के बारे में पता होना सबसे जरूरी है। एक होती है इंसेप्शन डेट ऑफ लीज और एक होती है आपकी कमेंसमेंट डेट ऑफ लीज। इसका क्या मीनिंग है, वो डेट जिस दिन दोनों पार्टीज लीज के एग्रीमेंट में एंटर होते हैं या कमिट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेसर हूं, एक पर्सन आता है मेरे पास कि भाई साहब ये वाली मशीन मुझे 10 साल के लिए लीज पर चाहिए, इतने इतने मैं आपको पेमेंट दूंगा। तो आज हमने एग्रीमेंट किया या कमिट कर दिया कि हाँ भाई मैं आपको लीज दे, ये मशीन लीज पर दे दूंगा। इस तरीके से जो भी एग्रीमेंट या कमिटमेंट जिस दिन होता है उसे बोलते हैं इंसेप्शन डेट। और जिस दिन मैं ये मशीन उसे प्रोवाइड करवा दूंगा यूज में लेने के लिए, मान लो आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को वो पर्सन आया, बोला कि मुझे ये मशीन चाहिए लीज पर 10 साल के लिए और 2-2 लाख रुपीज मैं आपको हर साल पे करूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है, 1 जनवरी को। उसने बोला ये मशीन आप मुझे अवेलेबल करवाना 1 फरवरी को। लीज कब से चालू करना, 1 फरवरी से आप मुझे मशीन देना। तो यानी 1 जनवरी तो है इंसेप्शन डेट, क्योंकि आज के दिन लीज का एग्रीमेंट या कमिटमेंट करी है दोनों पार्टीज ने। और 1 फरवरी कौन सी डेट है, कमेंसमेंट डेट। क्यों, क्योंकि इस दिन लेसर ने लेसी को असेट प्रोवाइड करवा दी यूज में लेने के लिए। तो इन दोनों डेट का क्या रोल है, इंसेप्शन डेट तो आपको ये पता लगाने में काम में आएगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है सामने वाली पार्टी के साथ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट ही है एज पर इंडेक्स 116 या कोई अदर कॉन्ट्रैक्ट है, ये पता लगाना है। अगर वो लीज की डेफिनेशन में आ जाता है तो आप उस पर इंडेक्स 116 अप्लाई करोगे। ये सब काम आप इंसेप्शन कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन डेट पे पता कर लो। कमेंसमेंट डेट पे आप क्या करोगे, अकाउंटिंग करना चालू करोगे। आपको पता चल चुका है ये कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जिस दिन कमेंसमेंट डेट है यानी वो डेट जिस दिन लेसर ने लेसी को असेट प्रोवाइड करवा दी यूज में लेने के लिए, उस दिन से आपको अकाउंटिंग चालू कर लेनी है अपनी बुक्स में। यानी लेसर भी अकाउंटिंग लीज की कब से चालू करेगा, कमेंसमेंट डेट से, और लेसी भी अपनी बुक्स में लीज की अकाउंटिंग कब से चालू करेगा, कमेंसमेंट डेट से। तो कमेंसमेंट डेट आपकी काम की डेट होती है अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से। इस दिन से लीज की अकाउंटिंग करी जाती है दोनों पार्टीज के द्वारा उनकी रेस्पेक्टिव बुक्स में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं लेसी अपनी बुक्स में लीज की अकाउंटिंग कैसे करेगा। हमें लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अकाउंटिंग देखनी है और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अकाउंटिंग देखनी है। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले अपन अकाउंटिंग देखते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स सबसे ज्यादा मेजर फोकस करता है लेसी किस तरीके से अकाउंटिंग करेगा अपनी बुक्स में लीज की। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फोकस भी नहीं होता, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी गिने चुने 2-3 क्वेश्चन अपने पास, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेसी से रिलेटेड अपन लीज की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, लेसी अपनी बुक्स में लीज की अकाउंटिंग कैसे करेगा वो समझिए। लेसी कौन पर्सन है जिसने एक असेट को लीज पर लिया है। मैंने एक असेट को लीज पर लिया है तो मैं इस पर्टिकुलर असेट की अकाउंटिंग अपनी बुक्स में क्या करूं। तो अकाउंटिंग मैंने यहां पे नोट डाउन करी है, पर आप एक बार लॉजिकली सोच के मुझे आंसर दे दीजिए आप क्या अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग कब से चालू होती है, कमेंसमेंट डेट से। तो कमेंसमेंट डेट पे बताओ लेसी के पास क्या हो रहा है, एक तो मेरे पास मशीन आ रही है। मशीन आ रही है ना मेरे पास, जिसको मैं यूज कर सकता हूं कितने टाइम के लिए। सपोज मैंने 10 ईयर्स के लिए लीज पर लिया, तो 10 ईयर्स के लिए मैं इसे यूज कर सकता हूं। तो एक तो मेरे पास असेट आ रही है, असेट डेबिट होगी।
लेकिन क्या ये फ्री में आ रही है? नहीं सर। क्या मैंने फिर इसका पेमेंट कर दिया? नहीं सर, पेमेंट भी नहीं किया। तो फिर मैं इसका पेमेंट करूंगा ओवर द पीरियड, यानी सामने वाली पार्टी को हर साल मैं 2-2 लाख रुपीज़ की पेमेंट करने वाला हूँ। एनुअल पेमेंट कितना करने वाला हूँ? 2-2 लाख रुपीज़ का, ये डिसाइड हुआ है 10 ईयर्स तक। तो यानी मैं इस असेट का, जो असेट मेरे पास आई है, इसका पेमेंट मैं करूँगा ओवर द पीरियड 10 ईयर्स में, यानी इंस्टॉलमेंट्स में इसका पे करने वाला हूँ। यानी मेरी एक लाइबिलिटी है, तो एक तो असेट डेबिट करूंगा मैं और एक लाइबिलिटी क्रेडिट करूंगा। बस ये एंट्री होगी कमेंसमेंट डेट पे। अब आपको पता करना है असेट किस नाम से डेबिट होगी और लाइबिलिटी किस नाम से क्रेडिट होगी। दूसरी चीज, दोनों का अमाउंट कितना आएगा ये आपको पता करना है। अमाउंट कितना आएगा वो देखो, और नाम क्या रहेगा वो देखो। आप असेट को किस नाम से डेबिट करूँ? सपोज सर मैंने मशीन लीज पर ली 10 साल के लिए, तो मशीन अकाउंट डेबिट कर दूँ क्या? नहीं, मशीन अकाउंट डेबिट कर दूंगा तो वो तो मेरी पीपीई बन जाएगी। ये पीपीई तो हो नहीं सकती। पीपीई तो वो होती है जो आप परचेस करते हैं, जो आप परचेस करते हैं। ये तो मैंने परचेस नहीं करी है, ये तो मैंने लीज पर ली है, रेंट पर ली है 10 साल के लिए। तो मेरी असेट जो है वो किस नाम से डेबिट करूँ? सर असेट ही लिख के छोड़ने बैलेंस शीट में, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूज़र को समझ में आना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन, ये असेट कौन सी असेट है, किस तरीके की असेट है। तो इसे आप बोलेंगे ROU असेट। ROU असेट यानी राइट ऑफ यूज असेट, यानी ये जो मशीन मेरे पास आई है, इस मशीन पे 10 साल के लिए यूज करने का राइट मुझे मिला है। इस मशीन को 10 साल के लिए यूज करने का राइट मुझे मिला है, इसलिए इसका नाम हो गया ROU असेट। यानी अब कोई भी इंसान इस कंपनी की बैलेंस शीट देखेगा, वो समझ जाएगा ROU असेट देखते ही कि ये असेट इसने लीज पर ली हुई है, इसकी खुद की असेट नहीं है। और लाइबिलिटी जो है उसे हम क्या बोलेंगे? लीज लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी क्रिएट की हुई है क्योंकि मैंने असेट लीज पे ली, इस कारण मुझे फ्यूचर में पेमेंट करने है, इसलिए मेरी जो लाइबिलिटी है उसका नाम मैं रख दूंगा लीज लाइबिलिटी। तो एंट्री होगी ROU असेट टू लीज लाइबिलिटी। अमाउंट कितना आएगा वो समझिए। अब अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट कितना आएगा अब देखो, उसके लिए क्या है, ROU असेट है, उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने की बात करता है इंडिया, क्योंकि उसकी जो भी कॉस्ट है वो रिकॉर्ड कर लो। कॉस्ट क्या होती है किसी भी चीज की? आप सोचिए एक बार, लीज भूल जाइए, आप एक मशीन परचेस करके लाते हैं 10 लाख रुपीज की, 10 लाख रुपीज बैंक से पे करते हैं और मशीन लेके आते हैं, आप एंट्री क्या पास करते हैं? सर मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख 10 लाख। यानी किसी भी चीज की कॉस्ट आप क्या बोल देते हैं? जो उसके लिए आप पे करते हैं, जो उसके लिए आप पे करते हैं। तो इस ROU असेट के लिए आपने क्या पे किया? सर अभी पे नहीं किया, लेकिन पे करेंगे इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में मैं क्या पे करने वाला हूं? सर फ्यूचर में मैं 2-2 लाख रुपीज की इंस्टॉलमेंट पे करने वाला हूं 10 ईयर्स तक। तो 2-2 लाख रुपीज की 10 ईयर्स तक पे करूंगा इंस्टॉलमेंट, यानी टोटल पेमेंट कितना करने वाला हूं? 20 लाख रुपीज। तो क्या ROU असेट को 20 लाख पे दिखा दूं? इंडियस बोलता है ऐसा भी मत करो। इंडियस क्या सब्सटेंस पे चलता है, बोलता है कि 20 लाख रुपीज आप क्या आज दे रहे हो? नहीं, ये तो 10 ईयर्स के पीरियड में दोगे, इन फ्यूचर दोगे हर साल 2-2 लाख रुपीज। तो यानी ROU असेट की वैल्यू 20 लाख के बराबर नहीं है। जब आप सामने वाले को फ्यूचर में पेमेंट दे रहे हो ना, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी होगा। इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन किया है, इंडेक्स 2, 16, 38, इंडेक्स 115, सब में मैंने आपको बता रखी है ये वाली चीज। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट अपन ने लेक्चर में वापस से देखा था, इस पर अपन अब ज्यादा नहीं जाते हैं। तो यानी फ्यूचर में पेमेंट होगा, इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाते कैसे? पीवी करके। तो आप फ्यूचर में जो पेमेंट करने वाले हो उनका पीवी कर लो और इस अमाउंट पे ROU असेट और लीज लायबिलिटी बुक करो, काम खत्म। ये आपकी इनिशियल डेट पे अकाउंटिंग होती है, जो एक बेसिक मैंने बताई, थोड़ा और डिटेल में अपने को देखना है, पर बेसिक इतना है इसके अंदर। तो इनिशियल डेट पे दो चीज बुक होंगी, लीज लायबिलिटी और ROU असेट। किस पेमेंट पे? पेमेंट पीवी ऑफ लीज पेमेंट, पीवी ऑफ लीज पेमेंट अमाउंट पे। तो इसको थोड़ा डिटेल में और देखते हैं अब कैसे कैसे क्या होगा। देखो, लीज लायबिलिटी आप बुक करोगे कितने अमाउंट पे? पीवी ऑफ लीज पेमेंट, जो भी लेसी पे करेगा ओवर द लीज टर्म यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट, आप रिकॉर्ड कर लोगे। ये प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगा लीज पेमेंट आपका। अब मान लो मेरे को 20 लाख रुपीस का पेमेंट करना था, हर साल 2-2 लाख रुपया करके उसको पीवी पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया, पीवी पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और पीवी सपोज वो आया 17 लाख आया, फॉर एग्जांपल 17 लाख आया। सामने वाले को पे कितना करना है? सर टोटल तो 20 लाख ही पे होगा, यानी मेरी बुक्स में अमाउंट कम रिकॉर्ड कर रखा है मैंने लाइबिलिटी का, जबकि एक्चुअल में पेमेंट ज़्यादा करना है। तो मेरे को लाइबिलिटी बढ़ानी है, यानी लाइबिलिटी खोलनी है, लाइबिलिटी कंप्रेस फॉर्म में है, लाइबिलिटी कंप्रेस फॉर्म में है, खोलना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करनी पड़ेगी। हम इस पे इंटरेस्ट इनकम हर साल चार्ज करेंगे ओवर द लीज पीरियड। तो उसके लिए हम अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, 5 कॉलम की टेबल होती है, ऑलरेडी सब बता रखा है आपको। ईयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ लीज लाइबिलिटी प्लस इंटरेस्ट एट डिस्काउंटिंग रेट माइनस आप कर दोगे एक्चुअल पेमेंट ऑफ लीज इंस्टॉलमेंट, और आपका जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज लायबिलिटी। ये आप करने वाले हो लीज लायबिलिटी के लिए हर साल, सिंपल सा। ROU असेट किस पे रिकॉर्ड करते हो? आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, और आपकी ये असेट है। असेट क्या है? कि इस मशीन को मैं 10 साल के लिए यूज में ले सकता हूं, ये असेट आपकी अराइज हुई है, क्योंकि 10 साल के लिए आपने लीज पे लिया, तो 10 साल के लिए मैं यूज में लूंगा, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ये ROU असेट। तो ROU असेट 10 साल के लिए इस पे आपका राइट है, इस मशीन पे उसको आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसे 10 साल में आप राइट ऑफ करेंगे पीएनएल में, जिसका नाम देंगे डेप्रिसिएशन, यानी एक तरीके से पीपी वाली अकाउंटिंग अप्लाई हो जाती है फिर इस पर। तो इस पे आप
डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आरयूए साइड पे ओवर द लीज टर्म ऑन एसएलएम बेसिस, आप इस पे चार्ज करेंगे। और सब्सिक्वेंटली हर बैलेंस शीट डेट पे आप आरयूए साइड पे तो कॉस्ट मॉडल पे दिखाएंगे या रिवैल्यूएशन मॉडल, जो सेम हमने इंडिया 16 पीपी में पढ़ा हुआ है, तो उस पे अपन को ज्यादा बात करनी भी नहीं है। इसके अलावा और भी डिटेल में चीजें हैं, उनको समझने से पहले आप देखिए लीज लायबिलिटी मैंने बोला किस पे रिकॉर्ड करते हैं, पीवी ऑफ लीज पेमेंट मेड बाय लेसी ओवर द लीज टर्म यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट। तो इन इस जो लाइन को मैंने बोला इसमें तीन चीजें हैं जिनको आपको डिटेल में समझना है। एक तो लीज पेमेंट, सर लीज पेमेंट का क्या मतलब समझूं मैं, जिसको आपको पीवी करना है उसका क्या मतलब है, लीज टर्म का क्या मतलब है, और डिस्काउंटिंग रेट क्या काम में लूंगा पीवी करने के लिए, यह समझना जरूरी है। तो पहले आप समझिए लीज पेमेंट का क्या मतलब है। देखिए लीज पेमेंट का क्या मतलब है, इट मींस पेमेंट्स मेड बाय लेसी ओवर द लीज टर्म टू लेसर। लीज पेमेंट का मतलब है इस असेट को मैंने लीज पे रेंट पे लिया तो उसके लिए मैं लेसर को क्या क्या पे करूंगा ओवर द लीज टर्म, वही होते हैं लीज पेमेंट। तो मैं तीन चीजें पे करता हूं, तीन चीजें आ सकती है मैक्सिमम लीज पेमेंट में, वो तीन चीजें क्या है। सबसे पहला फिक्स पेमेंट, बोला कि हर साल 2-2 लाख रुपए दूंगा बस ये ले लीजिए। अगर आपको कुछ लीज इंसेंटिव भी मिलेगा लेसर के द्वारा तो वो आपको इसमें लेस कर देना है। लेसर ने क्या बोल रखा है कि मेरी असेट, मेरे पास से कोई भी अगर 10 साल के लिए लीज पर लेता है उसे मैं 7th ईयर में 20,000 रुपीज का कैशबैक दूंगा या लीज इंसेंटिव दूंगा। तो मेरे जो लीज पेमेंट बताओ मेरे एंड से क्या होंगे, तो फर्स्ट ईयर में 2 लाख, सेकंड ईयर में 2 लाख, थर्ड ईयर में 2 लाख, सिक्स ईयर तक 2 लाख होंगे, सेवंथ ईयर में भी मैं 2 लाख पे करूंगा पर लेसर से मुझे 20,000 कैशबैक इंसेंटिव मिल जाएगा, यानी मेरी जेब से नेट कितना गया 1,80,000। 8th ईयर में भी फिर 2 लाख होगा, 9th में भी 2 लाख, इस तरीके से। यानी अगर लेसर से मुझे कभी लीज इंसेंटिव मिलेगा तो वो मुझे उसमें से लेस कर देना, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि वो मेरी जेब से गया नहीं, वो मुझे वापस मिल गया। इसके बाद अगर कभी पेमेंट आपको बोले, कभी आपको बोले कि जो आपके पेमेंट्स, लेसर ने क्या बोला कि आप जो मुझे पेमेंट करोगे ना वो मैं लिंक कर रहा हूं मार्केट की इंटरेस्ट रेट से, जैसे कि लाइबोर माइबोर वगैरह, या फिर मैं इन्हें लिंक कर रहा हूं इंडेक्स से, इन्फ्लेशन इंडेक्स जैसे, या फिर सीपीआई वगैरह, इनसे मैं लिंक कर रहा हूं, तो उस केस में आप पेमेंट्स कैसे इंक्लूड करोगे उसको समझिए, इसका क्या मतलब है। देखिए आज डिसाइड हुआ कि 10 साल के लिए मैं सेट लीज पर ले रहा हूं और इसका पेमेंट मैं 2-2 लाख रुपए करूंगा, लेकिन एक चीज हो सकती है ना, देखो 10 साल में क्या पैसे की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। तो लेसर ने आज तो बता दिया 2 लाख पे करो, पर 5-6 साल बाद इतना भयंकर इन्फ्लेशन आ गया, लेसर बेचारा रो रहा है। वो क्या रो रहा है कि यार ये असेट आजकल अगर आप मार्केट में लोन ले, मार्केट में लीज पे लेने जाओ तो कोई भी 2.5 लाख रुपए से कम पे चार्ज नहीं करेगा साल के। 2,50,000 तो हर कोई इंसान लेना चाहेगा, पर मेरे को तो 2 लाख ही मिल रहे हैं आज भी, क्योंकि मैंने तो आपसे ऑलरेडी 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। तो लेसर ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या करता है, स्टार्टिंग में जब लीज कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी बोल देता है कि लीज के पेमेंट है ना मार्केट की इंटरेस्ट रेट या मार्केट में जो इन्फ्लेशन वगैरह के इंडेक्स है उससे लिंक कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि आज आप 2 लाख का पेमेंट करिए, अगले साल 2 लाख का तो करना ही है, इसमें मार्केट के इन्फ्लेशन रेट या इंटरेस्ट रेट जो भी जिससे भी वो लिंक करेगा उसका एडजस्टमेंट कर देंगे, जो भी इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट हो जाएगी उससे अगले साल भी उसका एडजस्टमेंट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना पड़ेगा। अब सर दिक्कत कहाँ आ रही है, यानी फ्यूचर में जो लीज पेमेंट है वो मुझे पता नहीं चल सकते, क्योंकि मुझे क्या मालूम मार्केट में 1-2 साल बाद इंटरेस्ट रेट इंडेक्स रेट क्या होगी, मुझे क्या मालूम, वो कोई पता नहीं कर सकता, किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है, किसी के पास टाइम मशीन नहीं है, तो फ्यूचर देखा नहीं है तो किसी को नहीं मालूम है। लेकिन अब मुझे, मैं लेसी हूं 0 टाइम पे मुझे लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, पीवी ऑफ लीज पेमेंट चाहिए, फ्यूचर में जो मैं पे करूंगा उसका पीवी चाहिए, लेकिन मुझे ये ही नहीं पता फ्यूचर में पे कितना करना पड़ेगा। तो इंडियस ने इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया, इंडियस ने क्या बोला, लेसी पता क्या कर लेगा 0 टाइम कमेंसमेंट डेट पर जब अकाउंटिंग कर रहा होगा ना तब अज्यूम कर लेगा कि आज के दिन जो इंटरेस्ट रेट है या फिर आज के दिन जो इंडेक्स की रेट है वही फ्यूचर में प्रिवेल करेगी जिंदगी भर के लिए, ये मानते हुए लीज पेमेंट पता कर लेगा और फिर पीवी कर लेगा। एग्जांपल से देखिए, लीज पेमेंट लेसर ने बताया 1-1 लाख रुपीस आप हर साल बिगिनिंग में करोगे 3 साल के लिए, इसके बाद जो लीज पेमेंट है वो हर साल मार्केट में जो भी लाइबोर की रेट होगी उससे इंक्रीज होगी। अब आज के दिन कमेंसमेंट डेट पर लाइबोर की रेट है 2%, तो लीज पेमेंट बताओ क्या क्या होंगे, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आज के दिन तो 1 लाख ही होगा, आज के दिन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ईयर के बिगिनिंग में क्या होगा सर, सेकंड ईयर के बिगिनिंग यानी फर्स्ट ईयर एंड, उस टाइम पे जो भी लाइबोर की रेट होगी उससे इंक्रीज होगा लीज पेमेंट, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो इंडेक्स ने क्या बोला, जो आज के दिन है वही मान लीजिए आप जिंदगी भर प्रिवेल करेगा, आज के दिन 2% है लाइबोर की रेट, तो यानी फर्स्ट ईयर एंड ईयर सेकंड ईयर बिगिनिंग में भी 2% रहेगी, तो 1 लाख + 2% 1,02,000। थर्ड ईयर बिगिनिंग में भी 1 लाख का पेमेंट करना है तो मैं यही मान रहा हूँ 2% लाइबोर रेट रहेगी, तो 1 लाख + 2% सेकंड ईयर तक आने के लिए +2% थर्ड ईयर तक आने के लिए, तो आपको हो जाएगा 1,04,040 रुपीज। ऐसे आप लीज पेमेंट पता कर लोगे। इंडेक्स वाला भी एक एग्जांपल ले लीजिए, लीज पेमेंट मान लीजिए डिसाइड हुआ है कि 1-1 लाख रुपीज़ मुझे करने हैं 3 साल में, हर साल के एंड में 3 इयर्स तक मुझे करने हैं, और बोला गया कि जो लीज के पेमेंट है वो हर साल CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो भी होगा उससे इंक्रीज होंगे हर साल।
अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होगा, मुझे क्या मालूम, तो उसके लिए आज के दिन देख लो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आज के दिन का कमेंसमेंट डेट का पता रखा है 280। तो लीज पेमेंट आप कैसे पता कर लोगे, देखो आपको क्या बोला गया कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 280 है, आप ये मान लो एज पर दिस इंडेक्स कि ये 280 का इंडेक्स ही अगले साल भी रहेगा, उससे अगले साल भी रहेगा, जिंदगी भर ये ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, एक बार ये अज्यूम कर लो, उसके अकॉर्डिंग लीज पेमेंट पता कर लो। तो फर्स्ट ईयर एंड में लीज पेमेंट क्या होगा सर, 1 लाख का जो पेमेंट है वो 280 के इंडेक्स पे बेस है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय डिवाइड में 280। और अभी फर्स्ट ईयर एंड पे इंडेक्स क्या हो जाएगा, हम ये माने 280 रहेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 280 1 लाख का ही पेमेंट आ जाएगा। सेकंड ईयर एंड में बताओ क्या पेमेंट होगा सर, 1 लाख का पेमेंट है जो कि 280 के इंडेक्स पे बेस है, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड में 280, और हम ये मानते हैं सेकंड ईयर एंड में भी 280 का इंडेक्स रहेगा, तो वही 1 लाख का पेमेंट आ जाएगा। तो हमेशा सेम पेमेंट आ जाएंगे जीरो टाइम पर, जब भी आप इंडेक्स से पेमेंट लिंक करोगे, क्योंकि आप सेम मान रहे हो कि सेम इंडेक्स ही प्रिवेल करेगा जिंदगी भर, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीज पेमेंट में पहला कंपोनेंट फिक्स पेमेंट, उसमें कुछ लीज इंसेंटिव है वो आप हटा देंगे। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट लीज पेमेंट में क्या होता है, कई बार क्या होता है लेसर बोलता है ये सेट आप लीज पे ले रहे हो ना, ले लीजिए 10 साल के लिए मशीन लीज पर, 2-2 लाख रुपए आप पे कर देना। इसके बाद लेसर ने मुझे एक चॉइस दी कि भाई साहब आप चाहो ना तो 10 साल के बाद आपकी ये लीज टर्म खत्म हो जाएगी, और 10 साल ये मशीन आपके पास रहेगी तो आपको हो सकता है इसे प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, आपके पास रहेगी तो आपसे आपका इससे लगाव हो जाए, और 10 साल बाद मैं आपसे मशीन वापस लेने आऊं तो आप बोलो यार प्लीज ये रहने दो, ये मशीन मत लेके जाओ, आप गिड़गिड़ाओ। तो उसके लिए मैं एक काम कर देता हूं, आपको एक परचेज ऑप्शन दे देता हूं, एक परचेज ऑप्शन दे देता हूं कि 10 साल के बाद आप चाहो तो ये मशीन मुझसे खरीद लेना 5 लाख रुपए में। परचेज ऑप्शन की प्राइस कितनी बता दी, 5 लाख रुपीज में, यानी मेरे पास ऑप्शन है, मैंने 10 साल के लिए असेट लीज पे ली जिसका मुझे 2-2 लाख रुपए का पेमेंट करना है, 10th ईयर के एंड में मेरे पास ऑप्शन रहेगा, मैं चाहूं तो इस असेट को 5 लाख रुपीज में लेसर से खरीद लूं, मेरी इच्छा होगी तो खरीद लूंगा, नहीं तो लेसर को बोलूंगा ले जा भाई तेरी मशीन तेरे घर पे, नहीं दूंगा उसको कोई पेमेंट परचेज ऑप्शन का। तो यानी अगर लेसी को लगता है कब, स्टार्टिंग में जीरो टाइम पर लेसी को लगता है, जीरो टाइम पर लेसी को लगता है कि वो इस मशीन पे जो परचेज ऑप्शन इसे मिल रहा है वो एक्सरसाइज कर लेगा, लेसी रीजनेबली सर्टेन है कि ये परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, लेसी को लग रहा है यार मैं खरीद ही लूंगा मशीन, मैं खरीद ही लूंगा, ये परचेज ऑप्शन तो दे ही रहा है, मैं 5 लाख रुपीज में खरीद ही लूंगा, ऐसा मुझे लग रहा है, तो बताओ इस लीज में मेरा पेमेंट कितना कितना होने वाला है। सर हर साल 2-2 लाख रुपए तो होगा ही, पर 10th ईयर के एंड में जब लीज खत्म हो जाएगी तब मुझे 5 लाख का पेमेंट और करना पड़ेगा इस असेट को परचेस करने के लिए, तो ये भी लीज पेमेंट में इंक्लूड करना है अगर लेसी को लगता है वो परचेस कर लेगा, और लेसी को लगता है वो नहीं करेगा परचेस तो इंक्लूड मत करो इसे। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट लीज पेमेंट में जो आता है वो होता है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाई लेसी एट एंड ऑफ लीज। ये क्या होता है GRV अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाई लेसी, समझिए फटाफट से। देखिए मैंने लेसर से एक मशीन लीज पे ली 10 साल के लिए, बात डिसाइड हो गई मैं 2-2 लाख रुपीज पे करूंगा उसे, तो लेसर ने बोला ठीक है भाई साहब ले लो मशीन लीज पर आप मुझे एक बात बताओ कि 10 साल के लिए आप इसे लीज पे लोगे तो 10 साल के बाद इस मशीन की जनरली रेजिडुअल वैल्यू कितनी बचनी चाहिए, अगर कोई भी इंसान नॉर्मली मालिक बन के इसको यूज में ले, कोई भी नॉर्मली इंसान ढंग से इसको यूज में ले तो क्या इसकी वैल्यू बचनी चाहिए। तो हम दोनों ने मिलकर लेसर और लेसी ने मिलकर डिसाइड किया कि इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए तो मिल जानी चाहिए मार्केट में रेजिडुअल वैल्यू। लेसर ने बोला कंफर्म, मैंने बोला बिल्कुल कंफर्म, यानी क्या डिसाइड हुआ कि 10 साल बाद ये मशीन जब लेसर के पास वापस जाएगी तो लेसर अगर इसे 10 साल बाद मार्केट में बेचता है तो 10 लाख रुपए तो इसे आराम से मिल जाने चाहिए, 10 लाख रुपए तो इसे आराम से मिल जाने चाहिए। अगर कोई भी इंसान इस असेट को अपनी तरह अपना ये समझ के कि असेट मेरी खुद की है और सही तरीके से यूज में ले तो ऐसा होगा। लेकिन पता है क्या होता है, मैंने असेट लीज पे ली एक मशीन, मैंने सोचा 2-2 लाख रुपए तो दे रहा हूँ इसको पूरा रगड़ लेता हूँ, मशीन का जितना जूस हो सकता है ना सब निकाल लेता हूँ, सामने वाले को एकदम कचरा करके दूंगा, अगला देखते हैं क्या करता है, अपन पूरा पैसा वसूल तो करें। जैसे आप लोगों के साथ क्या होता है ना, आपका खुद का मोबाइल फोन होता है एकदम केयर के साथ रखते हैं, पर किसी और का मोबाइल हुआ ना दोस्त वगैरह का ऐसे हवा में फेंकते हैं कुछ भी कर सकते हैं, पर ठीक है वो एक अलग है कि दोस्त फिर बाद में जो आपके साथ करेगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक बार के लिए आप उस पर इतनी केयर नहीं देते हैं, किसी और का माल होता है तो किसी और का आइटम होता है तो, पर आप अपने खुद के आइटम पर खुद की असेट पर आप पूरी केयर देते हैं, पूरी केयर देते हैं उस पर, क्योंकि आपको मालूम है कि ये तो मेरी खुद की ओनरशिप है इसके ऊपर। तो ऐसे लेसी अगर असेट रेंट पे लेगा ना तो उस असेट की कचरा कर सकता है, उसको कचरा कर सकता है, तो इससे बचने के लिए लेसर अपने आप को इससे सेफ करने के लिए ये क्लोज डालता है उसके अंदर, पहले उससे कंफर्म करवा लेता भाई देख 10 लाख रुपए इसकी रेजिडुअल वैल्यू बचनी चाहिए 10 साल के बाद, अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन इसे अपनी असेट खुद की असेट मान के सही से इस्तेमाल करे तो। तो उसने लेसर ने बोला अब देख अगर मार्केट में 10 साल के बाद जब ये असेट तुझसे वापस लूंगा और 10 लाख रुपए में नहीं बिकी तो अगर जितने भी कम अमाउंट में बिकेगी उतना अमाउंट तू कंपनसेट करेगा, यानी 10 साल के बाद लेसर लेके गया मुझसे असेट 10 लाख रुपए असेट वापस लेके गया और मार्केट में जब
पूछने गया कि यह सेट कितने में बिक जाएगी, तो मार्केट में लोगों ने बोला कि 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देंगे इस सेट के, इस सेट के आपको 8 लाख रुपए से, 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। तो लेसर ने तुरंत लेसी को फोन मिलाया, देख भाई मार्केट में 8 लाख रुपए में बिक रही है और अपना पहले ही डिसाइड हुआ था 10 लाख में बिकनी चाहिए, अब 8 लाख में क्यों बिक रही है, क्योंकि तूने इसे इस तरीके से यूज में लिया कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू 8 लाख ही बची, ये तेरी गलती है। यानी अब 2 लाख रुपए कौन कंपनसेट करेगा, लेसी कंपनसेट करेगा लेसर को, यानी 2 लाख रुपए लेसी पे करेगा लेसर को, यानी 0 टाइम पर अगर ऐसा कुछ क्लोज है तो लेसी सोचेगा कि यार 10 लाख रुपए की रेजिडुअल वैल्यू बचनी चाहिए, पर यार मेरी लेबर, अब लेसी के थोड़ा चौकन्ना हो गया सेट को यूज में लेगा, पर लेसी सोचेगा मेरी जो लेबर है, मेरा जो स्टाफ है वो नहीं मानेगा, कितना ही समझा लूं, वो इस तरीके से यूज में लेगा कि इसके सेट की वैल्यू लगभग 8 लाख के बराबर बचेगी 10th ईयर के एंड में। तो लेसी मनी मन सोचेगा कि मेरे को 2 लाख रुपीज की रेजिडुअल वैल्यू पे करनी पड़ सकती है लेसर को, 2 लाख रुपीज मेरे को कंपनसेट करना पड़ेगा ना, वो होती है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, GRV, एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए, जो कि लेसी को एक्सपेक्टेशन है कि उसे पे करनी पड़ेगी, तो ये भी लीज पेमेंट में इंक्लूड कर लेनी है। ये पे कब होगी, ये लीज टर्म के एंड में पे होगी, जितना लेसी को एक्सपेक्टेशन लगती है। इनमें चेंजेस आ सकते हैं, उसकी अपन बाद में अकाउंटिंग देखेंगे रीमेजरमेंट की। तो लीज पेमेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए, इन सबसे आपके लीज पेमेंट बनेंगे, इनको आपको पीवी करना है डिस्काउंटिंग रेट से, तो आपको लीज लायबिलिटी का अमाउंट मिल जाएगा। अब देखो लीज पेमेंट आपको चाहिए लीज टर्म की, तो लीज टर्म क्या होती है, लीज टर्म का मतलब है नॉर्मल मैंडेटरी पीरियड ऑफ लीज, सामने वाले लेसर ने बोला 10 साल के लिए असेट लीज पर ले लो, तो 10 साल प्लस एक्सपेक्टेड रिन्यूअल पीरियड, लेसर ने बोला 10 साल के लिए मैं आपको असेट लीज पे दे रहा हूं, प्लस मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं 10 साल के बाद आप चाहो तो इस असेट को 3 साल के लिए, 10 साल के बाद आप चाहो तो इस असेट को 3 ईयर्स के लिए और रिन्यू करवा लेना, इस असेट की लीज को 3 ईयर्स के लिए और रिन्यू करवा लेना, आपकी चॉइस हो तो आप चाहो तो, लेसर ने ऐसा ऑप्शन दिया। तो ये रिन्यूअल ऑप्शन मुझे दिया लीज रिन्यू करवाने का, तो अगर मुझे लगता है मैं रिन्यू करवाऊंगा, एक्सपेक्टेशन लग रही है, तो वो रिन्यूअल पीरियड भी मेरी लीज टर्म में काउंट कर लूंगा, तो मेरे लिए टोटल लीज टर्म कितनी हो जाएगी 13 ईयर्स। अब इस 13 ईयर्स में जो भी लेसर को पे करूंगा उतने की पीवी करके लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी। डिस्काउंटिंग रेट और समझ लो, फिर आपका ये लीज लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। डिस्काउंटिंग रेट क्या काम में लेंगे आप पीवी करने के लिए, तो डिस्काउंटिंग रेट क्या काम में लेंगे, इंडेक्स 116 ने बोला कि लेसी फर्स्ट प्रायोरिटी देगा इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट इन द कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, जो कि लेसर की IRR होती है। अब लेसर की IRR क्या होती है, देखो लेसर की IRR क्या होती है इसको समझिए एक बार। मान लीजिए एक मशीन है, ये मशीन है जो लेसर मुझे लीज पर दे रहा है, ये मशीन लेसर लीज पर दे रहा है, तो लेसर की IRR समझ रहे हैं, तो एक बार मैं अपने आपको लेसर मान लेता हूँ। मैं ये मशीन एक इंसान को लीज पर दे रहा हूँ 10 साल के लिए, जिससे 2 लाख रुपीज मिलेंगे। ये मशीन अगर मैं लीज पर नहीं देता, किसी को अभी बेच देता, हाथ की हाथ बेच देता, तो उससे मुझे मान लो 25 लाख रुपीज, उससे मुझे मान लो 15 लाख रुपीज मिलते, 15 लाख रुपीज मिल जाते, यानी ये क्या है इसकी फेयर वैल्यू, ये इस असेट की क्या है 15 लाख रुपीज फेयर वैल्यू। यानी किसी असेट को आज ही आप मार्केट में बेच दो एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन में, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। ये इंडेक्स 113 में अपन देख लेते हैं, बाकी इस पर ज़्यादा फोकस मत करो अभी। तो ये इसकी क्या है फेयर वैल्यू, यानी इस असेट को मैं लीज पर नहीं देता, आज ही किसी इंसान को दे देता, बेच देता और पैसा ले लेता, तो कितना पैसा मिलता, वो होती है इसकी फेयर वैल्यू, यानी 15 लाख रुपीज इसकी फेयर वैल्यू। अब मैं ये असेट एक इंसान को 10 साल के लिए लीज पर दे रहा हूँ, यही सेम असेट एक इंसान को 10 साल के लिए लीज पर दे रहा हूँ, तो उससे पेमेंट कब मिलेगा, ओवर द 10 ईयर्स मिल रहा है, 2 लाख रुपीज करके मुझे मिलेगा 10 साल में। तो यानी अब बताओ इस असेट के बदले में सामने वाले से पेमेंट कितना कलेक्ट कर रहा हूँ, 20 लाख रुपीज कलेक्ट करूंगा टोटल। तो यानी सर आपने सामने वाले को बना दिया, कैसे बना दिया, 15 लाख की असेट के बदले 20 लाख रुपए कलेक्ट कर रहे हो, सर बनाया नहीं है मैंने उसे, 15 लाख रुपए की असेट की वैल्यू थी, फेयर वैल्यू थी 15 लाख रुपए, लेकिन सामने वाला क्या आज पेमेंट कर रहा है 15 लाख का, नहीं, वो ओवर द पीरियड मुझे पेमेंट करेगा, ओवर द पीरियड पेमेंट करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे आज ही 15 लाख मिल जाते तो हो सकता है मैं मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करता या कहीं और इन्वेस्ट करता, उसमें कुछ रिटर्न कमाता, तो जितना मुझे उस रिटर्न का लॉस हो रहा है वही मैं इस बंदे से वसूल कर रहा हूँ, ये मैं मान के चलता हूँ। तो मैं जो रिटर्न लॉस कर रहा होता उसे ही मैं बोलता हूँ मेरी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मैं जो रिटर्न कमाना था, मैं जो इस पे रिटर्न कमाना चाह रहा था वो क्या होती है मेरी IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वही मैं इस बंदे से इस लीज कॉन्ट्रैक्ट में वसूल कर रहा हूँ। यानी इस बंदे से मैं जो 20 लाख ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, 2 लाख रुपीज ईच ईयर 10 साल तक, तो ये 20 लाख जो है, ये 20 लाख जो है इसमें क्या इंक्लूडेड है, एक तो 15 लाख रुपए की इसकी फेयर वैल्यू, प्लस जो मेरा रिटर्न का पोर्शन है, यानी 5 लाख रुपए मेरी रिटर्न है। तो इस 20 लाख रुपीज में अगर मैं 5 लाख रुपए की रिटर्न हटा दूं तो क्या बचेगी इसकी फेयर वैल्यू, यानी 5 लाख रुपए की रिटर्न को मैं इंटरेस्ट इनकम बोल सकता हूं, इंटरेस्ट इनकम। तो 20 लाख रुपीज में अगर इंटरेस्ट की इनकम हटानी है, किसी फ्यूचर के अमाउंट में से अगर इंटरेस्ट रिटर्न की इनकम हटानी है, रिटर्न हटानी है या इंटरेस्ट हटाना है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पीवी। यानी फ्यूचर में जो भी पेमेंट लीज पेमेंट मुझे मिलने वाले हैं, अगर मैं इसे पीवी कर लूं और वो पीवी ओके फेयर वैल्यू के बराबर आ जाए, तो जिस रेट से मैंने पीवी किया वही मेरी IRR है।
वही मेरी IRR है, क्योंकि उस रेट से PV करने पे ये 15 लाख आ गया, तो 5 लाख रुपए इसने कम कर दिया। 5 लाख रुपए क्या थी मेरी रिटर्न, यानी ये रिटर्न को कौन ने रिफ्लेक्ट किया, इसे डिस्काउंटिंग रेट ने, यानी ये डिस्काउंटिंग रेट मेरी क्या है IRR है, लेसर की आई आर आर। इसमें UGRV और एक आपको लेनी होती है, ये क्या होती है समझ लीजिए फटाफट से। लेसर ने क्या बोला था स्टार्टिंग में लेसी को कि देख 10 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 10 लाख रुपए मार्केट से मिल जाने चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि लेसी से जो लेसी जिस तरीके से यूज मिलेगा उस वजह से मार्केट में इससे 8 लाख रुपीज भी मिलेंगे और लेसी से मैं 2 लाख रुपए ले लूंगा। तो जो 8 लाख रुपीज मुझे मार्केट से मिलेंगे वो होती है UGRV अनगैरेंटीड रेजिडुअल वैल्यू, जिसकी लेसी से गारंटी नहीं है, वो मुझे मार्केट से ही लेने पड़ेंगे, वो मुझे मार्केट से ही लेने, ठीक है। तो ये आपको और पीवी करके इसमें लेना होता है, यानी पीवी ऑफ लीज पेमेंट प्लस पीवी ऑफ UGRV जिस रेट से आ जाए और फेयर वैल्यू ऑफ असेट के बराबर, उसे ही हम लेसर की IRR बोलते हैं। यानी लीज पेमेंट और UGRV, लीज पेमेंट जो भी मुझे लेसी से मिलेंगे और जो मार्केट से UGRV मिलेगी, इन दोनों को किस रेट से पीवी करूं ताकि वो फेयर वैल्यू ऑफ असेट के बराबर हो जाए, उसे ही हम लेसर की IRR बोलते हैं। UGRV इधर क्यों लिया उसको मैंने डिटेल में लेक्चर में बताया था आपको, तो अभी अपन इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अदरवाइज इस पर आधा घंटा लग जाएगा अपने को, ठीक है। तो इस पर अपन को अभी इतनी बात नहीं करनी है, एग्जाम में आपसे IRR पूछेगा भी नहीं कैसे निकालनी है, वो क्वेश्चन में गिवन होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे निकलती है IRR, क्योंकि लेसर का इक्वेशन जब अपन करते हैं वहां ये काम में आता है अपने को फॉर्मूला, जो इक्वेशन है क्यों आई कैसे आई उसका रीजन मैंने आपको बता दिया एक बार फटाफट से। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी लेसी पीवी करने के लिए, लीज पेमेंट को पीवी करने के लिए क्या देगा, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ लीज, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ लेसी जो भी होगी वो काम मिलेगा। देखो मैं लेसी हूं, मैं जो भी लीज पेमेंट करूंगा उनका पीवी करना है मुझे, तो मैं लेसर की IRR काम मिलूंगा, लेसर की IRR काम मिलूंगा, लेकिन लेसर की IRR मुझे पता नहीं। देखो जिस बंदे से मैंने लीज पे ली उससे मैं पूछूं तो रिटर्न कितनी कमाता है, रिटर्न कितनी कमाना चाहता है वो बताएगा नहीं जनरली। मार्केट में प्रैक्टिकल लाइफ में लेसर की IRR पता करना यानी इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट लीज पता करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर आप सेकंड प्रायोरिटी पे जाते हो जो कि होती है इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट अब लेसी देखेगा। अब देखो लेसी ने लीज पर असेट क्यों ली, मशीन या बिल्डिंग मैंने लीज पे क्यों ली, मैं चाहता तो इसे खरीद भी सकता था पर खरीदने के लिए पैसा चाहिए जो मेरे पास था नहीं, यानी मुझे लोन लेना पड़ता और लोन लेके मैं खरीद सकता था, लेकिन मैंने लोन का अल्टरनेट लीज ऑप्शन चूज किया, लोन का अल्टरनेट लीज ऑप्शन चूज किया, यानी मैं क्या करूंगा अपनी जो बोरिंग, अगर मैं लोन लेता तो क्या मेरे पे इंटरेस्ट रेट लगती, वही मैं डिस्काउंटिंग रेट का ले लूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट, सेकंड प्रायोरिटी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, इंडेस 116 में आपको लेकर चलनी पड़ती है, इसका रीजन आपको मैंने दिया था, और इंडेस 115 में इसका उल्टा होता है आपको याद हो तो। इंडेस 115 में आप फर्स्ट प्रायोरिटी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट को देते हो और सेकंड प्रायोरिटी इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट को देते हो, क्यों, क्योंकि वहां पे आप रेवेन्यू बुक करने की बात करते हो, वहां मैनिपुलेशन होने के चांसेस थे, उस वजह से मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था रीजन, और इसका भी मैंने आपको रीजन दे रखा है लेक्चर में, ठीक है। तो अभी आप याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं, बाकी आपको रिवाइज करवाई रहा हूं मैं। अब देखो लेसी कैसे बुक करेगा, अकाउंटिंग कैसे करेगा वो मैंने आपको बता दिया, लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा पीवी ऑफ लीज पेमेंट मेड ओवर द लीज टर्म यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट, तो वो लीज पेमेंट आ जाएंगे, इन्हें हर साल खोलना पड़ेगा उसे। इसके बाद ये एक जीरो टाइम पे ROU एसेट भी बुक करता है, वो कितने अमाउंट पे करता है, अभी तक तो मैंने क्या बोला ROU एसेट का अमाउंट क्या होगा, इनिशियल लीज लायबिलिटी जो भी बुक करेगा, तो जो लीज लायबिलिटी का अमाउंट निकाला वो तो लेते ही है, पर ROU एसेट में कुछ और अमाउंट भी एडजस्ट करने पड़ सकते हैं, वो क्या होते हैं। लीज लायबिलिटी का अमाउंट कब निकालते हो, कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट के बाद जो भी आप पेमेंट करोगे उनका पीवी करते हो, वो आता है लीज लायबिलिटी। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कमेंसमेंट डेट से पहले मैंने कोई पेमेंट कर दिया हो लेसर को इंसेप्शन डेट पर ही, तो वो कहाँ आएगा लीज लायबिलिटी में, तो आएगा नहीं, वो लायबिलिटी थोड़ी ना, वो तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, तो वो आप ROU एसेट के कॉस्ट में ऐड करोगे। क्यों ऐड कर रहे हो कि भाई ये जो असेट मैंने लीज पे ली है, ये मशीन जो रेंट पे ली है 10 साल के लिए, तो इस राइट को लेने के लिए मेरे को जो लीज लायबिलिटी का अमाउंट है वो तो पे करना ही करना पड़ेगा, प्लस जो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया वो भी तो इसी के लिए पे किया, वो भी तो इसी की कॉस्ट है, इसलिए इसमें ऐड करते हैं। लेस लीज इंसेंटिव रिसीव बिफोर कमेंसमेंट डेट, लेसर ने मुझे कमेंसमेंट डेट से पहले कोई लीज इंसेंटिव पे कर दिया तो मुझे पहले ही मिल गया होगा, वो बैंक से आ गया होगा, तो वो मैं इसमें से लेस कर दूंगा। या फिर लेसी को कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंकर करनी पड़ी है इस लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, स्टाम्प पेपर वगैरह की कॉस्ट, कोई कमीशन वगैरह देना पड़ा है, तो वो भी इस राइट को लेने के लिए मेरी कॉस्ट आई है, इसलिए इसमें ऐड होगी। इसके अलावा देखो कई बार क्या होता है, लेसर से मान लो मैंने एक पूरी खाली बिल्डिंग लीज पे ली 10 साल के लिए और इस बिल्डिंग में कोई दीवारें वगैरह नहीं है, पर इसके अंदर मुझे क्या अपने क्लासरूम बनाने हैं क्लासेस लेने के लिए, तो मैं हर फ्लोर पे 5-5 रूम बनाना चाहता हूं, तो मैं इंटरनल वॉल्स कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता हूं, तो मैंने लेसर से परमिशन ली, लेसर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी करो, पर 10 साल बाद जब ये बिल्डिंग वापस मुझे दोगे लीज खत्म हो जाएगी तब मुझे उसी कंडीशन में देना जिसमें मैंने आपको दी थी, यानी सारी दीवारें हटा कर देना, यानी मैं इसमें जो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं इसके अंदर दीवारों का वो मुझे हटाना पड़ेगा, डिसमेंटलिंग करनी पड़ेगी, यानी जो राइट ऑफ यूज असेट है इसमें डिसमेंटलिंग की कॉस्ट आएगी 10 साल के बाद,
बाद तो उसको पीवी करके रिकॉर्ड कर लो, सेम पीपी का नेचर है, पीपी में भी ऐसा ही करते थे, वो आप और ऐड कर लो, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, पर ऐसा आप करोगे। इसके बाद देखो डेप्रिसिएशन मैंने क्या बोला, आरयू एसेट पे आप ओवर द लीज टर्म चार्ज करोगे, पर एक केस स्पेसिफिक केस है, वो समझ लो क्या है। अगर लेसर ने मुझे परचेज ऑप्शन दिया, लेसर ने मुझे परचेज ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो 10 साल बाद यह सेट इतने अमाउंट में खरीद लेना, और मुझे जीरो टाइम पे लग रहा है कि यह सेट मैं खरीद लूंगा, यह सेट मैं खरीद लूंगा लेसर से उस परचेज ऑप्शन के अगेंस्ट, तो वो परचेज ऑप्शन की जो प्राइस है वो मैंने कहाँ पे काम में ले ली होगी, लीज पेमेंट में, और लीज पेमेंट में काम में ले ली होगी तो लीज लाइबिलिटी की कैलकुलेशन में वो आ चुकी होगी, यानी लीज लाइबिलिटी की कैलकुलेशन में आई होगी तो आरयू एसेट की कैलकुलेशन में भी आएगी। यानी आरयू एसेट क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, अब आरयू एसेट रिफ्लेक्ट कर रही है राइट ओवर 10 ईयर्स या पूरी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। इस असेट की मान लो इकोनॉमिक लाइफ टोटल यूजफुल लाइफ है 50 साल, जिसमें से 10 इयर्स के लिए मैंने लीज ली है, लेकिन अब इस असेट की जो कॉस्ट मैंने बुक करी है ना वो पूरी 50 साल के लिए बुक करी है। क्यों? क्योंकि मैंने लीज पेमेंट में एनुअल पेमेंट तो लिए ही है, साथ में परचेज ऑप्शन वाला पेमेंट भी लिया है, तो यानी अब ये असेट मेरी खुद की हो जाएगी, ये मान के मैंने अमाउंट बुक किया है। तो अब इस अमाउंट को मैं किस पे डेप्रिशिएट करूं, ओवर लीज टर्म या पूरी इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ? सर पूरी इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ। यानी अगर लेसी रीजनेबली सर्टेन है कि जो इसे परचेज ऑप्शन मिला है वो एक्सरसाइज कर लेगा, तो उस केस में आरयू असेट को ओवर टोटल यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएट करता है, बस ये आपको जानना है। चलिए अब जनरल एंट्री देख लीजिए, क्या करेगा लेसी, कमेंसमेंट डेट पे आरयू एसेट डेबिट करेगा टू लीज लाइबिलिटी, दोनों का अमाउंट आ जाएगा आपका। इसके अलावा देखो फिर क्या होगा, अगर कुछ लीज इंसेंटिव मिला है बिफोर कमेंसमेंट डेट मुझे लेसर से तो बैंक डेबिट हो जाएगा, कुछ लीज पेमेंट मुझे करना पड़ा बिफोर कमेंसमेंट डेट तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और अगर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कुछ है तो उसका मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, और आपकी एंट्री मैच हो जाएगी। एट एंड ऑफ ईच ईयर क्या होगा, लीज लाइबिलिटी जो है उसे मुझे खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो ज्यादा पेमेंट करना है मुझे, मैंने कंप्रेस फॉर्म पीवी में रिकॉर्ड किया हुआ है, खोलना है तो फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करूंगा, फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, पीएनएल में चले जाएगी फाइनेंस की कॉस्ट, जो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है आपका। इसके बाद जो आरयू एसेट है इस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे हर साल, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आरयू एसेट अकाउंट, बिल्कुल पीपी की जैसे, और डेप्रिसिएशन पीएनएल में चला जाएगा। इसके बाद आपको क्या होगा, लीज की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या होगा, लीज की इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी डेबिट, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये जो अनवाइंडिंग वाली चीज है, खोलना पड़ेगा जो आपको लीज लाइबिलिटी को, इसके लिए मैंने ऑलरेडी इंडेस 16115 सब में बताया हुआ है, अपने लेक्चर में तो इसमें भी देखा है, पर कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ यूट्यूब पे ये रिवीजन वीडियो देख रहा है तो उसके लिए आप एक बार पहले वाले जो रिवीजन वीडियो है इंडेस 16115 की और सुन लेना, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है सबका लॉजिक, ठीक है। रिवीजन वीडियो में भी बताया, पर हर वीडियो में फिर बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उनमें बता रखा है, अगर आपने वो नहीं सुने हैं तो। चलिए अब देखो लेसी की अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ जाए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो एफआर है, एफआर में जो कैटेगरी ए चैप्टर्स जो मैं बताता हूँ वो सबसे ज़्यादा इजी हैं, और वही आपके 70-80 मार्क्स का कवरेज रखते हैं पेपर में। अगर आपने कैटेगरी ए चैप्टर्स भी ढंग से कर लिए, 70-80 नंबर के आते हैं, और सबसे ईजी भी पूरे एफआर में कैटेगरी ए चैप्टर्स है। जैसे लीज देखो कुछ भी नहीं है, पूरा कंसेप्चुअल अकाउंटिंग है और कुछ नहीं है अकाउंटिंग, वो भी बेसिक अकाउंटिंग, बट ये जो बड़े चैप्टर्स हैं जैसे लीजेज की बात हो गई, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनमें आपको पीवी बार बार करना पड़ता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है पर एकदम इजी होता है। तो बस इनमें आपको जो प्रोसेस में बता रहा हूं, ये प्रोसेस फॉलो करते जाओ, फाइनल आंसर आपको मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, और स्टेप्स भी मैंने वही बनाए हैं जिससे आपका आईसीएसई आंसर मैच हो जाए। अदरवाइज और भी शॉर्ट तरीका हो सकता है इसे सॉल्व करने का, जो लोग करते भी हैं, पर अगर वो करोगे तो ये मान लो 8 में से 4 नंबर मिलेंगे, पर मैं जो आपको स्टेप लिखवा रहा हूं ये स्टेप एज इट इज फॉलो करना, इससे क्या होगा आईसीए का एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा सॉल्यूशन में, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा, सभी चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, लीजेज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारी अप्रोच हो सकती है जो देखने में बहुत सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, कितना बढ़िया है 2 मिनट में सॉल्यूशन हो गया, ऐसा कौन पढ़ा सकता है, पर वो वाली चीजें क्या है, एक बार देखने के लिए अच्छी है, पर एग्जाम में 100 नंबर का पेपर करने पे 30 नंबर ही आते हैं, पर अपने को 100 नंबर का पेपर करके 70 नंबर तो चाहिए कम से कम, तो उसके लिए आपको आईसीआई का अप्रोच भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो आपका लीजेस का कभी भी लेसी के अकाउंटिंग में बुक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं, 5 स्टेप में आंसर देना है। सबसे पहले आप बताएंगे इनिशियल लीज लायबिलिटी कितनी बुक करें, फिर सेकंड स्टेप में आरयू एसेट की कॉस्ट पता कर दो, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे डेप्रिसिएशन आरयू एसेट का पता करो, और आरयू एसेट का हर साल क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, तो उसके लिए एक टेबल बना दीजिए, ईयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरयू एसेट, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरयू एसेट। क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन, ये कुछ भी नहीं है, एक तरीके से आरयू एसेट को रिप्रेजेंट कर रही है, आरयू एसेट के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है ये टेबल। इसके बाद स्टेप फॉर में आप फाइनेंस कॉस्ट पता कर लो लीज लायबिलिटी के ऊपर, और उसी के साथ आपको क्लोजिंग बैलेंस भी मिल जाएगा लीज लायबिलिटी का। ये कैसे पता करते हैं, अमोर्टाइजेशन टेबल से 5 कॉलम की टेबल बनती है जो कि आपके एक तरीके से लीज लायबिलिटी के अकाउंट को रिप्रेजेंट करती है। ऑलरेडी इसके बारे में अपने इंडेक्स 16 वगैरह से ही डिस्कशन चालू कर दिया था। और लास्ट स्टेप में आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है, अगर क्वेश्चन में पूछी गई है तो एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, देख लो एग्जांपल भी एक बार,
मैंने एक इक्विपमेंट लीज पे लिया 3 साल के लिए, लीज पेमेंट 1-1 लाख रुपए के करने एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डिस्काउंटिंग रेट 10% है, फर्स्ट ईयर में मैं जनरल एंट्री क्या पास करूंगा। सबसे पहले लीज लाइबिलिटी पता करूं, इनिशियल तो पीवी कर लिया मैंने, डिस्काउंटिंग रेट से 2,48,000 आ गया। कॉस्ट ऑफ आरयूवी एसेट क्या होगी सर, लीज लाइबिलिटी का अमाउंट और कुछ एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट जैसी चीज कुछ क्वेश्चन में थी नहीं तो डायरेक्टली लीज लाइबिलिटी का अमाउंट पे ही आरयूवी एसेट बुक हो जाएगी। अब हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा आरयूवी एसेट पे, वो मैंने पता कर लिया 248,600, लीज टर्म कितनी है 3 ईयर्स, तो 82,867 का डेप्रिसिएशन लगेगा। और फिर मैंने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया आरयूवी एसेट का। स्टेप 4, फाइनेंस कॉस्ट आपको पता करनी है, क्लोजिंग बैलेंस लीज लायबिलिटी का हर साल क्या होगा, तो उसके लिए 5 कॉलम की टेबल बना दी। ओपनिंग बैलेंस निकाल लीज लायबिलिटी का, इंटरेस्ट चार्ज किया ओपनिंग बैलेंस पर, एक्चुअल पेमेंट कर दिया लीज इंस्टॉलमेंट का, तो क्लोजिंग बैलेंस बच गया लीज लायबिलिटी का। ऐसे हर साल करते चले जाओगे, लास्ट ईयर में क्लोजिंग बैलेंस 0 हो जाएगा लीज लायबिलिटी का आपका। जनरल एंट्रीज क्या हुई, 0 टाइम पर कमेंसमेंट डेट पे आरयूवी एसेट टू लीज लायबिलिटी 248,600 हर साल, फर्स्ट ईयर एंड में आप क्या करोगे, फाइनेंस कॉस्ट टू लीज लायबिलिटी कितना था फर्स्ट ईयर का, फाइनेंस कॉस्ट देखो यहां पे 24,860 की अपन ने निकाल रखी है टेबल में। इसके बाद डेप्रिसिएशन टू आरयूवी एसेट अपन ने कर रखा है 82,867 का, और लीज इंस्टॉलमेंट जो मैंने पे करी लीज लायबिलिटी टू बैंक 1 लाख रुपीज की। ये खत्म हो चुका है क्वेश्चन, बस इतनी ही अकाउंटिंग होगी लेती में। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक इस इंडेक्स में, अभी हमने लीज की अकाउंटिंग देख ली लेसी की बुक्स में, लेकिन अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ उसमें कभी मॉडिफिकेशन हो जाए, तो लेसी अपनी बुक्स में उस मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग कैसे करेगा। सर मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, मैंने एक असेट लीज पे ली 10 साल के लिए एक लेसर से, 1 लाख रुपीज का मैं 10 साल तक उसे पेमेंट करने वाला हूँ, ये डिसाइड हुआ है। पर तीन साल बाद मैं गया लेसर के पास और मैंने बोला यार पेमेंट प्लीज 1 लाख से थोड़ा कम कर दीजिए, और लेसर एग्री हो गया 95,000 का पेमेंट करना रिमेनिंग टर्म में, यानी लीज के पेमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज, लीज के पेमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज करना लीज में मॉडिफिकेशन। जब लेसर और लेसी दोनों पार्टीज मिलकर कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करते हैं, उसे बोलते हैं लीज मॉडिफिकेशन। लीज के पेमेंट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है एक मॉडिफिकेशन, और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, मान लीजिए मैंने एक बिल्डिंग लीज पे ली लेसर से, उस बिल्डिंग के 2 फ्लोर लीज पर लिए और 10 साल के लिए मैंने लीज पे लिए, 3 साल के बाद क्या हुआ मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो गया, मुझे एक और फ्लोर लीज पर चाहिए, तो मैं लेसर के पास गया, मैं बोला यार कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई करके मुझे एक और फ्लोर लीज पर दे दो, तो यानी मैंने क्या करवाया इंक्रीज इन एरिया इन लीज, जिसे आप स्कोप भी बोल सकते हैं, या फिर डिक्रीज इन एरिया भी हो सकता है। और एक और मॉडिफिकेशन होता है इंक्रीज इन लीज टर्म या डिक्रीज इन लीज टर्म। मैंने 10 ईयर्स के लिए बिल्डिंग लीज पे ली, 8th ईयर के एंड में मुझे लगा मेरा बिजनेस और भी एक्सपेंड हो रहा है, तो मैंने लेसर को बोला यार प्लीज 5 साल के लिए और मुझे लीज टर्म बढ़ा के दे दीजिए, और लेसर एग्री हो गया, यानी अब 8th ईयर के एंड में 2 साल तो पुरानी लीज टर्म बाकी थी और 5 साल और बढ़वा ली, यानी 7 ईयर्स बड़ी बच रही है, यानी इंक्रीज इन लीज टर्म। ऐसे ही डिक्रीज इन लीज टर्म भी पॉसिबल है। तो मॉडिफिकेशन 3 केसेस के हो सकते हैं, लीज टर्म में, आपके एरिया में, और पेमेंट के अंदर, लीज के पेमेंट के अंदर। तो इंक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन लीज पेमेंट, डिक्रीज इन लीज पेमेंट, और इंक्रीज इन लीज टर्म, डिक्रीज इन लीज टर्म, ये तरीके के आपके मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। और इन सब में लेसी कैसे अकाउंटिंग करेगा वो देखना है, लेसर कैसे करेगा वो बाद में देखेंगे, अभी पहले अपन लेसी की बात करें। तो लेसी कैसे अकाउंटिंग करेगा लीज मॉडिफिकेशन के टाइम पर, तो सबसे पहला सिनेरियो बनता है आपने एरिया इंक्रीज करवाया। मैंने क्या किया, एरिया इंक्रीज करवाया लीज के अंदर, और साथ में एरिया इंक्रीज होगा तो क्या फ्री में होगा, नहीं, उसका पेमेंट, लीज पेमेंट भी इंक्रीज होंगे। तो मैंने जितना एरिया इंक्रीज करवाया उतने ही एरिया की जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है उससे ही मेरे लीज पेमेंट अगर इंक्रीज हो गए, तो आप एक काम करो, इस मॉडिफिकेशन को सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट मान के एक नई आरयूवी एसेट और नई लीज लायबिलिटी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर लो, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मत छेड़ो, आप पुराने लीज की अकाउंटिंग वैसे ही चलने दो। आपने जितना एरिया बढ़वाया और उस एरिया की जो एसएसपी बनती है उतनी ही प्राइस आपकी बढ़ी है लीज पेमेंट की, तो आप इसे सेपरेट मान लो, एकदम फालतू पॉइंट है, एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं। अब मेजर जो काम का है वो देखो, मैंने लीज टर्म बढ़वाई या हम दोनों ने मिलकर लीज टर्म बढ़ाई, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी बोल दो, लीज मॉडिफिकेशन की वजह से लीज टर्म बढ़ी है या फिर एरिया बढ़ा है। एरिया बढ़ेगा तो ये मान लो कॉम्प्लीमेंट्री पेमेंट साथ में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्री में कोई नहीं बढ़ाएगा, पेमेंट साथ में बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। या तो लीज टर्म बढ़ी है या फिर लीज टर्म लीज एरिया बढ़ा है, लीज एरिया बढ़ाया तो लीज पेमेंट भी बढ़ेगा, या फिर सिर्फ पेमेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, लीज का पेमेंट सिर्फ इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। यानी मैंने 10 साल के लिए लीज पे ली, 1-1 लाख रुपए का पेमेंट करना था, 3 साल बाद मैंने बोला लेसर को कि भाई साहब अभी धंधा सही से नहीं चल रहा, प्लीज पेमेंट थोड़ा कम कर दीजिए लीज का रिमेनिंग टर्म के लिए, उसने बोला 95,000 ठीक है। या फिर 3 साल बाद लेसर मेरे पास आता है, बोलता है यार मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया है, आप प्लीज पेमेंट इंक्रीज कर लेते हैं, लेसी भी एग्री हो गया, बोला ठीक है आपसे 1,10,000 दे दूंगा। यानी पेमेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है सिर्फ, विदाउट चेंज इन एरिया और लीज टर्म, पेमेंट भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो अगर इन तीनों में से कोई सा भी केस हो, कौन सा केस, इंक्रीज इन लीज टर्म या फिर इंक्रीज इन एरिया एंड लीज पेमेंट, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन लीज पेमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन लीज पेमेंट, इन तीनों में से कोई सा भी केस हो तो इसे आप बोलेंगे केस ए मॉडिफिकेशन, केस ए मॉडिफिकेशन। इनमें हम एक पर्टिकुलर तरीके से मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग सीखेंगे, एक पर्टिकुलर तरीके से मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग कैसे करेगा वो सीखेंगे।
इसके अलावा दूसरा केस और होता है, दूसरा केस क्या होता है, डिक्रीज इन लीज टर्म, डिक्रीज इन लीज टर्म, लीज टर्म कम हो रही है, या फिर मैं एरिया कम करवा रहा हूँ, एरिया कम करवाऊंगा तो पेमेंट भी कम करवाऊंगा। सिंपल सी बात है, मान लो मैंने 3 फ्लोर की बिल्डिंग लीज पे ली 10 साल के लिए, 3 साल के बाद मैंने बोला यार 1 फ्लोर मेरा खाली पड़ा रहता है, वो वापस ले लो, लीज कॉन्ट्रैक्ट में से हटा दो, तो उसका उतना मैं एरिया कम करवाऊंगा तो उतना लीज पेमेंट भी कम करवाऊंगा। तो डिक्रीज इन लीज टर्म या फिर डिक्रीज इन एरिया एंड लीज पेमेंट हो रहा है, तो ये हो जाएगा केस बी ऑफ मॉडिफिकेशन। इसमें एक तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। तो सर केस ए में अलग तरीके से अकाउंटिंग मॉडिफिकेशन की क्यों कर रहे हैं और केस बी में अलग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या? बिल्कुल रीजन है, स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे, वो रीजन समझो आप। पहले वाला केस देखोगे ना, इसमें सारी इंक्रीज इंक्रीज की चीज आ रही है, लीज टर्म भी इंक्रीज, एरिया एंड लीज पेमेंट भी इंक्रीज। नहीं सर, डिक्रीज इन लीज पेमेंट तो आ रहा है ना, पर एक देखो इंक्रीज या डिक्रीज इन लीज पेमेंट, लीज पेमेंट में तो डिक्रीज भी आ रहा है, लीज पेमेंट फालतू की चीज होती है, वो अभी मैं बता देता हूं आपको एक बार कंसेप्ट इसका फटाफट से। देखो लीज टर्म डिक्रीज हो रही है या फिर एरिया डिक्रीज हो रहा है, इसका क्या मतलब है, मेरी बुक्स में मान लो आरओयू एसेट मैंने बुक करी, 10 साल के लिए मैंने एक असेट लीज पे ली, 10 साल के लिए मैंने एक असेट लीज पे ली, तो आरओयू एसेट क्या रिप्रेजेंट करी है कि 10 साल के लिए इस मशीन पर, 10 साल के लिए इस मशीन पर मेरा राइट है, 10 साल के लिए इस मशीन पर मेरा राइट है, मैं इसे कैसे भी यूज में लूं वो मेरा राइट है 10 साल के लिए, उसको आरओयू एसेट रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद क्या हुआ, फिफ्थ ईयर के एंड में जाके मैंने लेसर को बोला प्लीज यार 2 साल से लीज टर्म कम कर दीजिए, फिफ्थ ईयर के एंड में कितनी लीज टर्म बच रही होगी, 5 ईयर्स, तो ये आरओयू एसेट में बैलेंस कितना बच रहा होगा फिफ्थ ईयर के एंड में, अभी तक का डेप्रिसिएशन लग के इतना बैलेंस बच रहा होगा, जो रिमेनिंग फाइव ईयर्स में जो मेरा राइट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये बैलेंस जो बच रहा होगा, जिसमें से मैंने लेसर को क्या बोला कि अभी जो लीज टर्म है 5 ईयर्स जो बच रही है इसमें से 2 साल हटा लीजिए, यानी सिर्फ थ्री ईयर्स बचेगी। तो यानी मैं मेरी असेट दे रहा हूं, मेरी असेट 2 साल जितनी, मेरी असेट जो है आरओयू असेट वो 2 साल जितनी बेच रहा हूं एक तरीके से। ऐसे डिक्रीज इन एरिया होता है, सपोज मैंने बिल्डिंग ली 3 फ्लोर की, 3 फ्लोर की रेंट पे बिल्डिंग ली, 3 साल बाद मैं लेसर को बोलता हूँ 1 फ्लोर हटा दीजिए, यानी मेरे पास जो राइट था 3 फ्लोर का उसमें से एक फ्लोर का राइट मैं लेसर को वापस दे रहा हूँ, यानी एक तरीके से बेच रहा हूँ, यानी डिक्रीज इन एरिया एंड लीज पेमेंट होता है या फिर डिक्रीज इन लीज टर्म होता है, तो उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं एक तरीके से मेरी असेट बेच रहा हूँ, मेरी आरओयू असेट बेच रहा हूँ। और जब आप असेट बेचते हैं ना, तो आप हमेशा ध्यान रखिए गेन या लॉस आता है, गेन या लॉस आता है, आप नॉर्मल ध्यान रखिए। एक बार मान लीजिए मेरे पास एक मशीन थी, वो मशीन मैंने बेच दी, वो मशीन मेरी बुक्स में 10 लाख की आ रही थी और 11 लाख में बेच दी, तो एंट्री क्या करता था मैं बैंक 11 लाख टू मशीन 10 लाख टू गेन 1 लाख, गेन ऑन सेल 1 लाख। तो सेम वही चीज़ तो हो रही है, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, बस लीज पे ली हुई असेट जा रही है मेरे पास से, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, गेन और लॉस इन डिक्रीज इन ड्यू टू डिक्रीज इन एरिया या फिर ड्यू टू डिक्रीज इन लीज टर्म। तो केस बी वाले मॉडिफिकेशन में, केस ए मॉडिफिकेशन में जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी इसमें, गेन और लॉस हो रहा है, और उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। बाकी पूरा मॉडिफिकेशन सेम होता है, जो इंक्रीज इन लीज टर्म या इंक्रीज इन एरिया हो रहा है उसमें कोई गेन लॉस नहीं होता। आप कोई मशीन या बिल्डिंग वगैरह खरीद के लाते हैं तो उस टाइम पे कोई गेन लॉस होता है क्या? नहीं, वो तो जितने पे खरीदी उतने पे बुक हो जाती है, ठीक है, इसलिए कभी भी इसमें गेन लॉस नहीं होगा। केस बी में गेन लॉस होगा, वो एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होगी, इसलिए उसमें स्टेप्स अलग लिखवाऊंगा। बाकी ये जो मैंने लॉजिक बताया पता नहीं रहता तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ वो अप्लाई करने और प्रैक्टिकल लाइफ में भी वही अप्लाई करने। इसके अलावा एक केस सी और होता है, वो मिक्स केस होता है, वो एकदम ईजी है, बाद में देखेंगे, पहले इनकी बात कर लेते हैं। अब देखो केस ए में सारे मैंने इंक्रीज वाली पॉइंट लिए हैं, लेकिन एक डिक्रीज इन लीज पेमेंट भी लिया है, केवल लीज पेमेंट डिक्रीज हो। बताओ मैंने 3 साल के बाद लेसर को बुलाया प्लीज अब 95,000 पेमेंट कर दो, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में, तो इससे बताओ मेरी कोई असेट बिकी क्या? कोई असेट वगैरह थोड़ी ना जा रही है मेरे पास से, बस मैंने पेमेंट कम करवाए, इसलिए केवल ये केस ए में आता है, क्योंकि इससे कोई गेन या लॉस नहीं होगा, गेन या लॉस कोई चीज असेट बिकने से नहीं हो रहा, इस केस में कोई गेन या लॉस असेट बिकने से नहीं होगा, इस वजह से वो केस ए में ही आता है। तो केस बी में सिर्फ 2 केसेस आते हैं और केस ए में 3 तरीके के मॉडिफिकेशन आते हैं। अब देखो अगर केस ए वाले मॉडिफिकेशन है, यानी इंक्रीज इन लीज टर्म, इंक्रीज इन एरिया एंड लीज पेमेंट, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन लीज पेमेंट ओनली, तो केस ए में मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, 6 स्टेप में वर्किंग करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा, बस ये 6 स्टेप लगाओ, जिसमें से 4 स्टेप एज इट इज सेम है जो आपने लेसी की अकाउंटिंग में अभी पढ़े हैं। पहला स्टेप लीज लाइबिलिटी इनिशियल कितनी बुक होगी कमेंसमेंट डेट, सेकंड स्टेप आरओयू एसेट कितनी बुक होगी इनिशियली कमेंसमेंट डेट, थर्ड स्टेप आप क्लोजिंग बैलेंस पता कर लो आरओयू एसेट का मॉडिफिकेशन डेट पे, फोर्थ स्टेप आप क्लोजिंग बैलेंस पता कर लो लीज लाइबिलिटी का ऑन मॉडिफिकेशन डेट, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में मॉडिफिकेशन जिस दिन हो रहा है उस दिन आप देखो नई रिवाइज्ड लीज लाइबिलिटी एज पर मॉडिफाइड टर्म्स, रिवाइज्ड लीज लाइबिलिटी एज पर मॉडिफाइड टर्म्स बुक्स में क्या रिकॉर्ड होनी चाहिए यूजिंग मॉडिफिकेशन डेट डिस्काउंटिंग रेट। आज के दिन मॉडिफिकेशन हुआ तो आज के दिन देखो बुक्स में क्या नई लीज लाइबिलिटी आनी चाहिए
आज के दिन के डिस्काउंटिंग रेट काम में लेके, वो आप स्टेप फाइव में पता करो। और स्टेप सिक्स में आपको क्या करना है, बस सिंपल था, जो नई रिवाइज लीज लाइबिलिटी निकाली स्टेप फाइव में, और जो आज के दिन आपके बुक्स में लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है जो कि आपने स्टेप फोर में पता कर लिया, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो आप लीज लाइबिलिटी अकाउंट और आर यू एसेट अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। बस इतना था आपको काम करना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ जो मैंने आपको लेक्चर में दिया भी था। देखो, सबसे पहले एक मैंने लीज पे असेट ली 5 साल के लिए, जिसका पेमेंट इस तरीके से करना जो आपके सामने स्क्रीन पर है, 1000, 1500, 1000, 2000 और 1500। पीवी की रेट है आपकी 10% और उससे आपने पीवी करके इनिशियल लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली 5197 की। अब क्या हुआ, 3 साल के बाद, आफ्टर थ्री ईयर 3 साल खत्म हो चुके हैं और लीज क्या है, मॉडिफाई हुई। और मॉडिफाई कैसे हुई, 1 साल के लिए लीज टर्म इंक्रीज करवा ली लेसी ने। लेसी ने क्या बोला, थर्ड ईयर के एंड में आकर लेसर को, क्या भाई साहब अभी 2 साल की लीज टर्म बाकी है, पर प्लीज 1 साल के लिए और बढ़ा दो, 1 साल के लिए लीज टर्म इंक्रीज कर दो। तो लेसर ने बोला ठीक है, इंक्रीज कर देता हूं, और जो 1 साल के लिए इंक्रीज कर रहा हूं उसका आपको लीज पेमेंट कितना करना है, 1000 रुपीज। देखो, लीज टर्म इंक्रीज होगी तो उसका पेमेंट होगा ना, उस टर्म का भी, तो उसमें पेमेंट आएगा ही आएगा। तो 6th ईयर के लिए लीज पेमेंट और आ जाएगा मेरा 1000 का। डिस्काउंटिंग रेट मॉडिफिकेशन डेट वाले दिन कितनी बताई, 11%। अब देखो मुझे क्या करना है, अभी तक नॉर्मल अकाउंटिंग हमने करी, जीरो टाइम पे 5197 की लीज लाइबिलिटी बुक कर ली, क्योंकि जीरो टाइम पे मुझे नहीं पता था मैं लीज टर्म वगैरह इंक्रीज कराऊंगा क्या करूंगा, मैंने बस नॉर्मल लाइबिलिटी बुक कर ली। हर साल इसे खोलता चला जाऊंगा, खोलते खोलते एक दिन थर्ड ईयर एंड में मैं जब इसका मॉडिफिकेशन करा रहा हूं, तो उस दिन मुझे पता चला इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, जो आपके सामने मैंने टेबल के थ्रू निकाल रखा है, 3058। इस टेबल में आप देखेंगे तो 3058 आपको लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस दिख जाएगा थर्ड ईयर एंड के अंदर। थर्ड ईयर एंड में 3058 इसका बैलेंस आ रहा है। वो कैसे आया, जीरो टाइम पे ओपनिंग बैलेंस, फिर इसमें इंटरेस्ट ऐड किया, एक्चुअल पेमेंट लेस किया, क्लोजिंग बैलेंस। ऐसा करते रहते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, तो 5th ईयर एंड में ये बैलेंस जीरो हो जाता, खत्म हो जाता सब कुछ, लीज लाइबिलिटी लीज ही खत्म हो जाती। आज के दिन 3058, आज क्या है, थर्ड ईयर है, आज के दिन बैलेंस क्या है, 3058। अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, उसके लिए ये एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, लॉजिक समझ लो फटाफट से क्या हो रहा है। 3058 का बैलेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पीवी की क्वालिटी है। पीवी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो पीवी की क्वालिटी क्या है, 3058 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मालूम है आपको, 3058 रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड ईयर के एंड में, कि आज के दिन के बाद, आज के दिन के बाद जो भी मेरी ऑब्लिगेशन है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को। 3058 किसका बैलेंस है, लीज लाइबिलिटी का बैलेंस। जीरो टाइम पे मैंने लीज लाइबिलिटी बताओ कैसे रिकॉर्ड करी थी, फ्यूचर में जो भी मेरी ऑब्लिगेशन थी उनकी प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था, उनके प्रिंसिपल अमाउंट को, उसमें से इंटरेस्ट हटा देता हूं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था इनिशियल टाइम पे लीज लाइबिलिटी का बैलेंस। अब थर्ड ईयर एंड में अगर मेरा लीज लाइबिलिटी का बैलेंस 3058 हो जाता, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सर रिमेनिंग फ्यूचर पेमेंट जो है उनमें प्रिंसिपल का पोर्शन कितना है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सर रिमेनिंग फ्यूचर पेमेंट्स कितने हैं, सर थर्ड ईयर के एंड के बाद देखोगे तो 4th ईयर और 5th ईयर में, ये देखो 4th ईयर और 5th ईयर में 2000 और 1500 के लीज पेमेंट है, ये दो लीज पेमेंट है, इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू को, इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 3058। अब चाहे वेरीफाई करके देख लो, थर्ड ईयर एंड में अब नेक्स्ट ईयर मुझे कितना पेमेंट करना है, 2000, उससे नेक्स्ट ईयर 1500, इनको पीवी कर लो 10% की डिस्काउंटिंग रेट से 3058 ही आएगा, ये मैंने आपको वेरीफाई भी करवा दिया था। यानी लीज लाइबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस, अगर आपको किसी भी दिन पता करना हो ना, उसको निकालने का तरीका क्या है, या तो अमोर्टाइजेशन टेबल बना लो, या फिर आप उस दिन के बाद से जो भी रिमेनिंग फ्यूचर पेमेंट्स उनको पीवी कर लो, एक ही अमाउंट आएगा। समझ में आया, तो अब देखो क्या हो रहा है, आज मेरी बुक्स में लीज लाइबिलिटी आ रही है 3058, पर आज के दिन मैंने क्या किया, लेसर को क्या बोला, भाई साहब 1 साल के लिए लीज टर्म और बढ़ा दो, अब मुझे पेमेंट उस लीज टर्म जो बढ़ाई है उसका भी करना है 1000। तो ये 3058 किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगले 2 साल के पेमेंट 2000 और 1500 रुपए के दो पेमेंट को, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर अब एक्चुअल में जो मेरे पेमेंट है वो 3 होने वाले हैं, एक तो 4th ईयर का, एक 5th ईयर का और एक 6th ईयर का नया 1000 रुपीज़ का पेमेंट। तो यानी ये लीज लाइबिलिटी अगर 3058 की मेरी बुक्स में रहेगी तो ये गलत लाइबिलिटी है, क्योंकि अब एक्चुअल में तो 3 पेमेंट हैं रिमेनिंग, उन तीनों का पीवी बुक होना चाहिए। तो आप देखो आपकी बुक्स में आज के दिन लाइबिलिटी का, लीज लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होना चाहिए, तो जो भी फ्यूचर के पेमेंट है आज के दिन उनका पीवी करके देख लूँ। तो रिवाइज लीज लाइबिलिटी कैसे निकालूंगा, आज के दिन मॉडिफिकेशन डेट पे जो भी डिस्काउंटिंग रेट है उससे मैं जो भी मेरी नई लाइबिलिटी है उसको पीवी कर लूंगा। 2000, 1500, 1000 को मैंने 11% जो नई डिस्काउंटिंग रेट आज के दिन की उससे पीवी किया, तो कितना अमाउंट आया, 3751। यानी 3751 की मेरी बुक्स में लाइबिलिटी होनी चाहिए, है कितनी, 3058 की, इसका बीच का डिफरेंस आपको एडजस्ट करना है। लाइबिलिटी कितने से बढ़ानी है बुक्स में, सर इन दोनों का डिफरेंस जो है 693 रुपीज़ से लाइबिलिटी बढ़ानी है। लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, टू करते हैं, क्रेडिट करते हैं, टू लीज लाइबिलिटी कर देंगे 693।
डिफरेंस कहाँ है एडजस्ट करेंगे, आरओयू एसेट में, जो बाकी का डिफरेंस होगा वो आरओयू एसेट में एडजस्ट कर देंगे। तो सेम अमाउंट आप आरओयू एसेट से एडजस्ट कर देंगे। आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट 693 टू लीज लाइबिलिटी 693। ये हो गया आपका केस ए मॉडिफिकेशन, बिल्कुल सिंपल था। अब आ जाइए केस बी मॉडिफिकेशन। केस बी मॉडिफिकेशन क्या होता है, डिक्रीज हो रहा हो लीज टर्म या फिर डिक्रीज हो रहा हो एरिया और लीज पेमेंट तो करेंगे आप। तो केस बी मॉडिफिकेशन भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है जैसा कि आपने केस ए किया, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा। एक्स्ट्रा स्टेप क्या होगा, जब आप रिडक्शन करवाएंगे, एरिया कम करवाएंगे, लीज टर्म करवाएंगे, उस टाइम पे आपको गेन और लॉस और निकालना पड़ेगा, गेन और लॉस और निकालना पड़ेगा। तो चार स्टेप तो बिल्कुल सेम है स्टार्टिंग के। सबसे पहले इनिशियल लीज लायबिलिटी कितनी बुक होगी, कॉस्ट ऑफ आरओयू एसेट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरओयू एसेट ऑन मॉडिफिकेशन डेट, और फोर्थ स्टेप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज लायबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट। ये चार स्टेप बिल्कुल एज इट इज आपको करने हैं। फिफ्थ स्टेप अब नया हो जाएगा। यहां पे क्या करना है अब आपको, देखो मॉडिफिकेशन डेट आ गई, आज के दिन मैंने क्या बोला सामने वाले को, एक बार मैं डिक्रीज इन एरिया का गेन लॉस निकालना बताता हूँ, गेन और लॉस निकालना मुझे। आज के दिन मान लो फिफ्थ ईयर एंड है और मैंने 10 साल के लिए बिल्डिंग लीज पे ली थी 3 फ्लोर। फिफ्थ ईयर एंड में मैंने लेसर को बोला भैया एक फ्लोर हटा लो मुझे नहीं चाहिए। तो फिफ्थ ईयर एंड में मेरी असेट, मेरी बुक्स में असेट का कुछ बैलेंस आ रहा होगा आरओयू असेट, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि रिमेनिंग 5 ईयर्स में जो मेरा राइट है इस असेट पे उसके बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जीरो टाइम पे ये मैंने पूरा टोटल अमाउंट रिकॉर्ड किया था जिसमें 5 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, तो ये रिमेनिंग अमाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमेनिंग 5 ईयर्स में इस 3 फ्लोर की बिल्डिंग में मेरा कितना राइट है, रिमेनिंग 5 ईयर्स में 3 फ्लोर की बिल्डिंग में मेरा कितना राइट है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा आरयू एसेट का बैलेंस आज के दिन मॉडिफिकेशन डेट वाले दिन। लेकिन आज के दिन मैंने लेसर को क्या बोला, एक फ्लोर हटा लो, लेसर ने हटा भी दिया, यानी अब रिमेनिंग 5 ईयर्स में मेरे पास राइट कितने का बचेगा, सिर्फ 2 फ्लोर का, और मेरी बुक्स में जो आरयू एसेट का बैलेंस है वो कितने के राइट को दिखा रहा है, 3 फ्लोर के राइट को, यानी इसको कम करना पड़ेगा, इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आरयू एसेट का बैलेंस रिडक्शन कैसे होगा, क्लोजिंग बैलेंस देख लो आज के दिन मॉडिफिकेशन डेट वाले दिन आरयू एसेट का कितना है, मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना डिक्रीज हुआ 1 फ्लोर, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया कितना था 3 फ्लोर्स डिवाइडेड बाय 3, इतना बैलेंस आपको आरयू एसेट का कम करना है, 2 आरओयू सेट अप कर देंगे। लीज लायबिलिटी में भी फिर कोरोस्पॉन्डिंग आपको बैलेंस कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो आपका लीज लायबिलिटी भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा आज के दिन, कि रिमेनिंग 5 ईयर्स में जो भी 3 फ्लोर के लिए पे करना है उसके पीवी के अमाउंट को उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन सर अब तो मुझे 2 फ्लोर का ही पे करना पड़ेगा, 1 फ्लोर हटा लिया, तो लीज लायबिलिटी में भी आप कितना कम करोगे जब डिक्रीज इन एरिया होगा। आज के दिन देख लो लीज लायबिलिटी का बैलेंस कितना है, मल्टीप्लाई बाय डिक्रीज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, इतने अमाउंट से लीज लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। तो लीज लायबिलिटी डेबिट करोगे, आरओयू एसेट क्रेडिट करोगे, डिफरेंस इन एंट्री जो भी होगा वो होगा आपका गेन या लॉस ऑन रिडक्शन इन एरिया, गेन या लॉस ऑन रिडक्शन इन एरिया। समझ में आ गया आपको, ये डिफरेंस आएगा, एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी है। लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा, आरयू एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, डिफरेंस गेन या लॉस हो जाएगा रिडक्शन की वजह से जो पीएनएल में जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे अगर डिक्रीज इन लीज टर्म होता है तो गेन लॉस कैसे निकलेगा, ये थोड़ा स्पेसिफिक है ध्यान से समझना। डिक्रीज इन लीज टर्म होता है तो गेन लॉस कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकालने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। आज 5 साल कंप्लीट हो गए, 5 साल की लाइफ और बाकी है, लेकिन मैंने लेसर को क्या बोला भाई 2 साल की लाइफ खत्म कर लो, 3 साल की रहने दो रिमेनिंग, तो मैंने लाइफ कितने से कम करवा ली, 2 ईयर्स से। तो यानी मेरा जो आरओयू एसेट बैलेंस था बुक्स में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि इस पर्टिकुलर एसेट पे रिमेनिंग 5 ईयर्स के राइट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस पर्टिकुलर एसेट में रिमेनिंग 5 ईयर्स के राइट को। तो अब मुझे राइट कितना बच रहा है, 3 ईयर्स का ही, क्योंकि 2 साल मैंने कम करवा लिया, राइट कितना बच रहा है 3 ईयर्स, यानी इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस आरओयू एसेट मॉडिफिकेशन डेट पे कितना वो ले लो, इसमें से ये कितने राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 साल के राइट को, रिमेनिंग राइट एज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, तो डिवाइड बाय रिमेनिंग लीज टर्म एज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई बाय कितना मैंने राइट कम कर लिया इसमें से, 2 साल का, 2 साल उसको हटाने के लिए बोल दिया, यानी डिक्रीज इन लीज टर्म, तो इतना अमाउंट आप आरओयू एसेट से कम करोगे। बहुत सिंपल था ये, आपने पता लगा लिया। अब लीज लायबिलिटी के बैलेंस में कितना रिडक्शन होगा, देखो जब गेन और लॉस होगा, डिक्रीज इन लीज टर्म होगा या डिक्रीज इन एरिया होगा, तो आरओयू एसेट का बैलेंस भी गिरेगा और लीज लायबिलिटी का बैलेंस भी गिरेगा, और उसी से गेन लॉस आपको मिलेगा। तो आरओयू एसेट और लीज लायबिलिटी का बैलेंस में कितनी गिरावट आएगी वो पता करनी है, डिक्रीज इन एरिया में तो दोनों में सेम ही तरीका था पता लगाने का, पर लीज टर्म में जब डिक्रीज होगा ना तो आरओयू एसेट का बैलेंस कितना गिरेगा वो मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया। अब लीज टर्म का बैलेंस कितना गिरेगा वो समझो। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, भाई एरिया वाले में भी हम सेम काम कर रहे थे, तो यहाँ पे भी जो आरओयू एसेट में एडजस्टमेंट किया उसी तरीके से लीज लायबिलिटी में एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे, समझो क्यों नहीं कर सकते। देखो लीज लायबिलिटी का आज के दिन मेरी बुक्स में कोई बैलेंस आ रहा होगा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिमेनिंग 5 ईयर्स में मुझे क्या पे करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, लीज टर्म 2 साल से कम करवा ली तो मेरे को तीन साल का ही तो और पेमेंट करना पड़ेगा सामने वाले को, 3 साल का ही और पेमेंट करना है तो उसका पीवी रिप्रेजेंट करना चाहिए। पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको करना है ना, तो आप अब ये देखो कि अगर
अगर आप ये लीज लायबिलिटी जीरो टाइम से ही एट ईयर्स की होती, जीरो टाइम से ही अगर एट ईयर्स की होती तो क्या बैलेंस होता? वही तो बैलेंस आपको अपनी बुक्स में चाहिए लीज लायबिलिटी का। आपने अब दो साल से लीज टर्म कम करवा ली, लेकिन अब आप सोचो आपको बैलेंस आज के दिन क्या चाहिए? अगर मैं जीरो टाइम से ये मान के चल रहा होता लीज टर्म एट ईयर्स की है तो क्या बैलेंस होता? तो यानी आज के दिन आप क्या करो, रिमेनिंग रिवाइज लीज पेमेंट कितने होने वाले हैं रिमेनिंग रिवाइज लीज टर्म में? रिवाइज लीज टर्म में जो ओरिजिनल पेमेंट्स हैं वो कितने होने वाले हैं वो आपको पता करना है। रिवाइज लीज टर्म कितनी है? तीन साल। इसमें अब जो भी मेरे पेमेंट होने वाले हैं इनको मैं पीवी कर लूँ किसे? ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट, कमेंसमेंट डेट पर क्या डिस्काउंटिंग रेट थी, तो वो मुझे मिल जाएगा। बैलेंस क्या होता अगर मैं जीरो टाइम से मान रहा होता एट ईयर्स के लिए, तो आज मुझे पता चल जाता इतना बैलेंस मेरा लीज लायबिलिटी में रहता, इतना बैलेंस रहता। आज के दिन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है जो आपको लीज लायबिलिटी के बैलेंस में कम करना है, जो लीज लायबिलिटी के बैलेंस में कम करना है। दोबारा से समझ लो, लीज लायबिलिटी का आज के दिन कुछ क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, पर अब मुझे लीज लायबिलिटी कम होगी मेरी बुक्स में क्योंकि दो साल से टर्म कम करवा ली मैंने। तो यानी अब मेरा लीज लायबिलिटी में बैलेंस कितना आना चाहिए? सर जो मेरी रिमेनिंग रिवाइज्ड लीज टर्म है यानी थ्री इयर्स, इसमें जो भी ओरिजिनल पेमेंट करने हैं एज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, सपोज वो 1 लाख थे, तो उनको अगर मैं पीवी करूं ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट से तो वो कितना अमाउंट आता है? इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना है। इसके बीच में जो डिफरेंस है वो आप लीज लायबिलिटी में से रिड्यूस करोगे, कम करोगे, और ये लीज लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा आरयूएस एट क्रेडिट डिफरेंस इन एंट्री गेन लॉस। सर ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट क्यों काम मिली? क्योंकि आप ये मान रहे हो जीरो टाइम से ही अगर ऐसा होता, अभी हम मॉडिफिकेशन का इफेक्ट नहीं दे रहे। आपको मैं बता दूं मॉडिफिकेशन का इफेक्ट नहीं दे रहे, अभी सिर्फ डिक्रीज इन लीज टर्म जो आपका गेन लॉस है वो पता कर रहे हैं कि भाई आपने जो लीज टर्म डिक्रीज करवा ली ना उसकी वजह से क्या गेन लॉस हो रहा है वो पता कर रहे हैं। इसलिए ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट मानी ओरिजिनल पेमेंट पर रिमेनिंग रिवाइज टर्म में। बस हम ये मानते हुए कि अगर जीरो टाइम से ही एट ईयर्स की लीज मान रहे होते तो क्या बैलेंस आ रहा होता लीज लायबिलिटी में, ये मानते हुए, ठीक है। ये स्टेप फाइव हो गया। अब देखो आप क्या करोगे, एक इस स्टेप की वजह से मैंने बोला केस बी मॉडिफिकेशन में बस केवल एक एक्स्ट्रा काम करना होता है, वो आपने कर लिया। अब इस एक्स्ट्रा काम की करने की वजह से दो काम और करने पड़ेंगे, यानी तीन स्टेप बढ़ जाते हैं। केस ए में 6 स्टेप में काम चल रहा था, यहाँ पे 9 स्टेप में आपका आंसर आएगा। अब स्टेप 6 में आप क्या करोगे, देखो आरयूएस का क्लोजिंग बैलेंस पता करो मॉडिफिकेशन डेट पे आफ्टर रिडक्शन जो भी अपन ने किया। मॉडिफिकेशन डेट का आरयूएस का बैलेंस आपने स्टेप 3 में पता कर लिया होगा, और ये जो रिडक्शन किया अभी स्टेप 5 में वो अमाउंट हटा दो, आरयूएस का उतना अमाउंट कम हो गया होगा ना एंट्री में, आपने आरयूएस को क्रेडिट किया तो वो अमाउंट पता करो। ऐसे ही लीज लायबिलिटी का अमाउंट पता करो रिडक्शन करने के बाद मॉडिफिकेशन डेट को कितना बचा। स्टेप 4 में आपको मालूम होगा कितना बैलेंस था, और स्टेप 5 में जो आपने रिडक्शन किया वो हटा दो, तो आज के दिन लीज लायबिलिटी का क्या बैलेंस बचा होगा आफ्टर रिडक्शन वो आपको मिल जाएगा। बस अब क्या करना है, सेम केस की तरह स्टेप 8 में आप रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी निकाल लो मॉडिफिकेशन डेट पे यूजिंग मॉडिफिकेशन डेट की जो भी डिस्काउंटिंग रेट है। अब आप देख लो रिवाइज पेमेंट कितने करने हैं नए, और आज के दिन क्या डिस्काउंटिंग रेट है, उससे नई लीज लायबिलिटी पता कर लो क्या होनी चाहिए, क्या बुक्स में है स्टेप 7 के अकॉर्डिंग जो आपका अमाउंट था, इन दोनों का डिफरेंस स्टेप 9 में आपका एडजस्ट हो जाएगा आरयूएस एट अकाउंट और लीज लायबिलिटी अकाउंट में जो जनरली अपन केस ए में करते थे। यानी केस बी मॉडिफिकेशन में बस एक काम एक्स्ट्रा करना होता है, गेन या लॉस और निकालना होता है, उसकी वजह से तीन स्टेप बढ़ जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। टोटल 9 स्टेप में इसकी वर्किंग होगी, ये 9 स्टेप माइंड में फिट रख लीजिएगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कभी गलत नहीं होगा आपका। लास्ट केस सी में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, उससे पहले केस सी समझ लो है क्या। केस सी मॉडिफिकेशन का क्या है, ये कुछ भी नहीं है, केस ए और बी का मिक्स है। यानी मॉडिफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हुआ जिससे केस ए वाले कुछ आइटम्स हुए और केस बी वाले कुछ आइटम्स हुए, यानी लेसर और लेसी ने मिलकर क्या किया, एरिया इंक्रीज करवाया विद लीज पेमेंट, और साथ में लीज टर्म डिक्रीज करवाई, साथ में लीज टर्म डिक्रीज कराई। अब सर ये क्या है, ये तो मिक्स हो गया दोनों का, केस ए और बी का, तो इसे हम केस सी मॉडिफिकेशन बोल देंगे। इसकी अकाउंटिंग कैसे करें, बहुत सिंपल तरीका हो सकता है कि आप एग्जैक्टली केस बी वाली अकाउंटिंग कर दो, लेकिन उससे फिर मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे फिगर्स आपके कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे जो आईसीए ने कर रखा है। आईसीए ने क्या किया है, केस सी मॉडिफिकेशन में सबसे पहले केस बी का जो मॉडिफिकेशन है यानी डिक्रीज इन लीज टर्म है सपोज, तो उसकी अकाउंटिंग करता है, सबसे पहले केस बी मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग करता है, इग्नोर करके कि कोई केस ए वाला मॉडिफिकेशन भी है क्या। यानी आप भूल जाओ कोई केस ए मॉडिफिकेशन भी है क्या, उसे इग्नोर करो और केस बी वाले मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग कर दो, और वो अकाउंटिंग करने के बाद आप केस ए मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग करो। यह आईसीए फॉलो करता है, वही मैंने आपको लिखवाया, इसलिए मैंने बोला जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ये फॉलो करना, इससे आपको याद भी रहेगा कॉन्सेप्ट, और दूसरी चीज इसी से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इन सभी चीज़ों में मैं जो आपको स्टेप्स लिखवा रहा हूँ। तब देखो केस सी मॉडिफिकेशन क्या करोगे, सबसे पहले आप 5 स्टेप में वर्किंग होगी, पर अगर मैं बताऊँ ना ओरिजिनली ये 14 स्टेप्स हो जाएंगे। स्टेप 1 क्या बोलता है, देखो डू अकाउंटिंग फॉर केस बी मॉडिफिकेशन इग्नोरिंग केस ए मॉडिफिकेशन। केस बी वाला जो मॉडिफिकेशन है यानी डिक्रीज इन लिस्ट में, तो पहले उसकी अकाउंटिंग कर दो, तो उसके लिए 9 स्टेप्स लगाने पड़ेंगे केस बी के। केस ए मॉडिफिकेशन कंप्लीटली इग्नोर करना, आपको ये बात माइंड में फिट रखना, केस ए मॉडिफिकेशन कंप्लीटली इग्नोर करना है।
इसके बाद स्टेप टू में आप क्या करेंगे, अब देखो केस भी मॉडिफिकेशन कर लिया, तो मॉडिफिकेशन करने के बाद आर यू एसेट और लीज लाइबिलिटी का बैलेंस चेंज हुआ होगा क्योंकि एडजस्टमेंट उन्हीं में तो करते हो आप, तो आप कैलकुलेट कर लो क्लोजिंग बैलेंस आर यू एसेट का केस बी मॉडिफिकेशन करने के बाद कितना बचा, और स्टेप थ्री में लीज लाइबिलिटी का क्या बैलेंस बचा केस बी मॉडिफिकेशन करने के बाद ये पता कर लो, सिंपल सा स्टेप है ये दो। तो स्टेप फोर में आप केस ए मॉडिफिकेशन कर दो, यानी केस ए वाले मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग, सपोज इंक्रीज इन एरिया एंड लीज पेमेंट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग रिवाइज लीज लाइबिलिटी क्या आनी चाहिए, मॉडिफिकेशन डेट आज के दिन यूजिंग मॉडिफिकेशन डेट के डिस्काउंटिंग रेट वो पता कर लो। स्टेप थ्री में आपने क्लोजिंग बैलेंस आज के दिन का मालूम है लीज लाइबिलिटी का, इन दोनों का डिफरेंस स्टेप फाइव में आप एडजस्ट कर दोगे आर यू एसेट और लीज लाइबिलिटी अकाउंट में। यानी अपने बस क्या किया, पहले केस बी मॉडिफिकेशन किया इग्नोरिंग केस ए, और उसके बाद फिर केस ए मॉडिफिकेशन किया, ये आपको केस सी में करना है। इसका एक क्वेश्चन अपने पास वो अपन ने सॉल्व किया था इसी तरीके से। अब आ जाइए रीमेजरमेंट की अकाउंटिंग कैसे करेगा लेसी अपनी बुक्स में। सर रीमेजरमेंट क्या होता है सबसे पहले तो ये बताओ, देखो आपको याद हो लीज पेमेंट में कुछ चीज़ें आ रही थी, क्या क्या, एक तो सामने वाले ने मुझे परचेज ऑप्शन दिया था, अगर मैं चाहूँ तो उसे एक्सरसाइज करूँ चाहूँ तो ना करूँ, इसका मतलब क्या था जीरो टाइम पे मुझे लग रहा है मैं एक्सरसाइज कर लूंगा तो मैंने लीज पेमेंट में वो इंक्लूड कर लिया होगा। 10 साल की टर्म थी पर थ्री ईयर बाद आफ्टर थ्री ईयर्स मुझे लग रहा है मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मेरे को लग रहा है मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो यानी अब वो लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहिए, यानी ये रीमेजरमेंट हो रहा है, रीमेजरमेंट हो रहा है लीज लाइबिलिटी का। अब की बार मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है कि दोनों पार्टीज मिलकर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज कर रहे हैं, किसी ने मुझे ऑप्शन दिया था उस ऑप्शन की वजह से मेरा एस्टिमेशन मेरे एक्सपेक्टेशन बदल रही है, पहले मुझे लग रहा था मैं परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा तो मैंने लीज पेमेंट में इंक्लूड कर लिया होगा, पर आफ्टर थ्री इयर्स मुझे लग रहा है मैं परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो वो मेरा लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहिए, यानी मुझे रीमेजरमेंट करना पड़ेगा अपनी बुक्स के अंदर, लीज लाइबिलिटी का रीमेजरमेंट करना पड़ेगा। ऐसे रीअसेसमेंट ऑफ लीज टर्म भी हो सकता है, सामने वाले ने बोला था कि आप 10 ईयर्स बाद चाहो तो 3 ईयर्स के लिए लीज टर्म और एक्सटेंड करवा लेना रिन्यू करवा लेना, जीरो टाइम पे मुझे लगा था मैं रिन्यू करवा लूंगा पर 3 साल बाद मुझे लग रहा है मैं रिन्यू नहीं करवाऊंगा तो वापस लीज लाइबिलिटी का रीअसेसमेंट करना पड़ेगा मुझे मेरी बुक्स में। और उल्टा भी हो सकता है, मान लो जीरो टाइम पे मुझे लग रहा था मैं रिन्यू नहीं करवाऊंगा 3 साल बाद मुझे लग रहा है रिन्यू करवा लूंगा, कुछ भी हो सकता है, यानी रीअसेसमेंट ऑफ लीज टर्म ड्यू टू एक्सरसाइजिंग या नॉट एक्सरसाइजिंग रिन्यूअल ऑप्शन बाय लेसी, या फिर रीअसेसमेंट ऑफ एक्सरसाइजिंग और नॉट एक्सरसाइजिंग परचेज ऑप्शन बाय लेसी, ये दो तरीके के आपके रीमेजरमेंट होते हैं जिन्हें आप सिग्निफिकेंट रीमेजरमेंट बोलते हैं, सिग्निफिकेंट रीमेजरमेंट बोलते हैं इन दो तरीके के, कौन कौन से, एक रिन्यूअल ऑप्शन और एक परचेज ऑप्शन की, आपको एक्सरसाइज और नॉट एक्सरसाइज में आपका एस्टिमेशन बदलता है, तो इसकी वजह से आपको जो रीमेजरमेंट करना पड़ेगा वो होगा सिग्निफिकेंट रीमेजरमेंट, और सिग्निफिकेंट होगा रीमेजरमेंट तो आपको सेम अकाउंटिंग करनी है जो आपने केस ए ऑफ मॉडिफिकेशन में करी थी, सेम एज इट इज वो स्टेप्स लगाना आंसर मिल जाएगा। दो रीजंस की वजह से और रीमेजरमेंट हो सकता है, वो रीजन क्या है, चेंज इन फ्यूचर लीज पेमेंट्स बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स और इंडेक्स। मान लो मैंने सामने वाले से एक असेट लिस्ट पे ली थी 10 साल के लिए 1 लाख पेमेंट करना था, पर सामने वाले ने क्या बोला कि जो पेमेंट है फ्यूचर के वो मार्केट में जो भी सीपीआई हो जाएगा उससे इंक्रीज होंगे हर साल, तो जीरो टाइम पे मान लो 280 का सीपीआई था, फर्स्ट ईयर वही रहा सेकंड ईयर भी वही रहा, पर सर थर्ड ईयर में जाके सीपीआई चेंज हो गया 320 हो गया, यानी अब थर्ड ईयर में जो लीज पेमेंट है वो बदल जाएंगे, नए लीज पेमेंट होंगे थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स में, को नए लीज पेमेंट पता करके उनका पीवी रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी रीमेजरमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, जो पेमेंट थे वो इंडेक्स रेट से लिंक थे इस वजह से। क्या कॉन्ट्रैक्ट में कोई मॉडिफिकेशन हुआ, नहीं, ये बात पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी इस वजह से ऐसा हुआ, तो यानी अब लीज लाइबिलिटी मुझे मॉडिफाई यानी चेंज करके रीमेजर करके लिखनी पड़ेगी, या फिर चेंज इन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ जीआरवी, सामने वाले को जीआरवी मुझे पे करनी पड़ेगी, जीरो टाइम पे मुझे लग रहा था 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे क्योंकि मेरी लेबर इससे इस तरीके से काम में लेगी जिससे इसकी वैल्यू 8 लाख आ जाएगी, पर 3 साल बाद काम में लेने के बाद मुझे पता चला मेरी लेबर ने इसे कचरा बना दिया है, इसकी वैल्यू 6 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी सामने वाले को आफ्टर 10 ईयर्स, तो मुझे यानी 4 लाख पे करना पड़ेगा, यानी जीआरवी का अमाउंट जो मुझे पे करना पड़ेगा उसकी एक्सपेक्टेशन बदल गई है। तो क्या मॉडिफिकेशन हुआ लीज में, नहीं, बस मेरी एक्सपेक्टेशन बदली। तो चेंज इन फ्यूचर लीज पेमेंट होता है ड्यू टू इंटरेस्ट रेट और इंडेक्स रेट में चेंज आने की वजह से, या फिर एक्सपेक्टेड जीआरवी के अमाउंट में चेंज आने की वजह से। तो ये दो रीजन की वजह से अगर रीमेजरमेंट मुझे करना पड़ता है लीज लाइबिलिटी का, तो इसे हम बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट रीमेजरमेंट करना पड़ रहा है, इनसिग्निफिकेंट रीमेजरमेंट करना पड़ रहा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सेम केस ए मॉडिफिकेशन वाली अकाउंटिंग लगाएंगे, बस एक चेंज कर देंगे। केस ए मॉडिफिकेशन में 5th पॉइंट में रिवाइज लीज लाइबिलिटी जो आप निकाल रहे थे उसमें आप मॉडिफिकेशन डेट, यानी अब मैं बोल देता हूं उसे रीअसेसमेंट डेट, रीअसेसमेंट डेट की डिस्काउंटिंग रेट काम में लेते थे, पर इस वाले केस में आप ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट काम में लेंगे, कमेंसमेंट डेट वाली स्टार्टिंग वाली ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट आपको काम में लेनी पड़ेगी क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट रीमेजरमेंट है। इसके पीछे रीजन है, देखो फ्यूचर के लीज पेमेंट में क्यों चेंज आया, क्योंकि इंडेक्स और इंटरेस्ट रेट वगैरह बदले, और जीआरवी के अमाउंट में क्यों चेंज आया, क्योंकि मेरी लेबर ने उसे उस तरीके से काम में लिया।
तो ये दोनों अमाउंट क्या थे, ऑलरेडी मुझे ये फैक्ट मालूम था कि इनमें चेंज आएगा, इनमें चेंज आ सकता है, ये मुझे फैक्ट मालूम था। क्यों? क्योंकि इंडेक्स रेट मुझे मालूम है चेंज हो जाती है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाती है, मेरी लेबर कैसे काम करेगी मुझे मालूम है, वो एक फिक्स पैटर्न में थोड़ा काम करेगी, हो सकता है लेबर थोड़ा गलत काम कर दे या सही काम कर ले, तो उसकी वजह से जीआरवी के अमाउंट में चेंज आ सकता है, ये मुझे पहले से मालूम था। इन दोनों के अमाउंट में रीमेजर करना पड़ सकता है। जीरो टाइम पे जब मैंने एसेट लिस्ट पे लेना उसी टाइम मुझे मालूम था कि इन दो रीजन की वजह से मुझे रीमेजरमेंट करना पड़ सकता है, यानी इसे हम फिर इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे, इसलिए ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट काम में लेते हैं, नई लीज लाइबिलिटी निकालते थे। लेकिन रिन्यूअल ऑप्शन में एक्सरसाइज करूंगा या नहीं करूंगा, परचेज ऑप्शन में एक्सरसाइज करूंगा या नहीं करूंगा, जीरो टाइम पे मैंने सोच लिया मैं एक्सरसाइज करूंगा, पर तीन साल बाद मैं सोच रहा हूं नहीं करूंगा, तो ये क्या सिग्निफिकेंट चेंज आया मेरी अजम्पशन में? यार मैं जीरो टाइम पे मैं ही तो था सोचने वाला, और तब मैंने सोचा था मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, और तीन साल बाद मेरी अजम्पशन ही बदली है, तो जीरो टाइम पे तो मैंने यही सोचा होगा ना कि ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, परचेज ऑप्शन मैंने अभी सोच लिया मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मैं करूंगा एक्सरसाइज, पर तीन साल बाद पता नहीं कुछ अलग ही सिनेरियो हो गया, अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से मुझे अपना डिसीजन बदलना पड़ा, तो ये सिग्निफिकेंट रीमेजरमेंट है, इसलिए पूरा एज इट इज केस मॉडिफिकेशन लगाते हैं, नई रीअसेसमेंट डेट वाली डिस्काउंटिंग रेट आप काम में लेते हैं। समझ में आया? बस सिंपल सा होता है और कुछ भी इसमें अलग नहीं है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर रीअसेसमेंट के जो रीजन है वो दोनों से मिक्स है, यानी सिग्निफिकेंट रीजन भी है और इनसिग्निफिकेंट रीजन भी है, तो आप रीअसेसमेंट को सिग्निफिकेंट रीअसेसमेंट मानिए और फिर केस ए मॉडिफिकेशन पूरा लगाना, यानी फिर नई डिस्काउंटिंग रेट काम में लेनी है। इसका एक क्वेश्चन भी अपने पास, उसमें क्या हो रहा था, फ्यूचर लीज पेमेंट चेंज हो रहे थे इंडेक्स की वजह से, तो इनसिग्निफिकेंट था, लेकिन साथ में लीज टर्म हम रिन्यू करने का ऑप्शन जो था उसको चेंज कर रहे थे, उसका एस्टिमेशन बदल रहे थे, एक्सरसाइज करें या नहीं करें उसका ऑप्शन बदल रहे थे, तो वो सिग्निफिकेंट रीमेजरमेंट था। तो एक ही बार में एक ही लीज में दोनों रीमेजरमेंट हुए थे, इस कारण उसमें अपन ने क्या मान लिया था, सिग्निफिकेंट, और उस क्वेश्चन में अपन ने फिर रिवाइज नई डिस्काउंटिंग रेट कम में ली थी, पूरा केस से मॉडिफिकेशन लगाया था एज इट इज। अब देखो लेसर की बुक्स में लीज की अकाउंटिंग कैसे होगी, लेसर अपनी बुक्स में लीज की अकाउंटिंग किस तरीके से करने वाला है फटाफट से देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, इस पर ज़्यादा इंडेक्स फोकस भी नहीं करता, और लेसर की अकाउंटिंग से रिलेटेड दो या तीन क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पूरे आपके एग्जाम में आ सकते हैं बस, और बाकी ज़्यादा कोई काम का नहीं है। देखो लेसर जब भी लीज की अकाउंटिंग करेगा तो इनिशियल टाइम पर इंसेप्शन डेट पर ये लीज को दो चीज़ों में क्लासिफाई करेगा, या तो फाइनेंस लीज बताएगा उसे या ऑपरेटिंग लीज बताएगा, और उस अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करेगा। लेसी ऐसा कुछ नहीं करता, लेसी तो एक आरओई एसेट बुक करता है, एक लीज लाइबिलिटी, बस इंडेक्स 116 ने यही बदला है, आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 होता है वो अलग अकाउंटिंग बताता है लेसी, पर उसमें लेसी को भी फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज की बात करता है, पर इंडेक्स 116 लेसी की एक फिक्स अकाउंटिंग बताता है, लेकिन लेसर को आज भी ये देखना पड़ता है कि जो उसने एसेट लिस्ट पे दिए वो फाइनेंस लिस्ट पर दिए या ऑपरेटिंग लिस्ट पर दिए, मैंने असेट फाइनेंस लिस्ट पर दिए या ऑपरेटिंग लिस्ट, ये कैसे पता करूंगा? अगर मैंने उस असेट से रिलेटेड सारे रिस्क और रिवार्ड सामने वाले को ट्रांसफर कर दिए हैं तो यानी फाइनेंस लिस्ट पर दिए, लेकिन अगर मैंने उस असेट से रिलेटेड सारे रिस्क और रिवार्ड सामने वाले को अभी तक ट्रांसफर नहीं करे हैं तो यानी ऑपरेटिंग लिस्ट पर दिए। मान लीजिए ये असेट है और इसके सारे सब्सटेंशियली मतलब 100% नहीं पर 90% सब्सटेंशियली कहीं डिफाइन नहीं किया है, मैनेजमेंट को खुद से जजमेंट लेना होता है। अब ये असेट का जो मेजर यूज है, सब्सटेंशियल यूज है, सारा सारा बेनिफिट सारे रिस्क सामने वाले को मिलने वाले हैं तो यार ये फाइनेंस लीज है, और अगर इससे मिलने वाले सारे बेनिफिट और रिस्क मैंने सामने वाले को नहीं दिए यानी मुझे मिलेंगे मेजरली तो यानी मेरे लिए ऑपरेटिंग लीज है, मैंने इसे ऑपरेटिंग लीज पर दिया, ऑपरेटिंग लीज पर दिया। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे, लेकिन सब पता कैसे चलेगा कि किसी असेट के मैंने सारे रिस्क और रिवार्ड सामने वाले को ट्रांसफर किए हैं या नहीं किए, तभी तो मैं फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज पता कर पाऊंगा। तो उसके लिए पांच कंडीशन बताई, इन पांचों में से कोई भी एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो ये मान लेंगे कि इस असेट से रिलेटेड सारे रिस्क और रिवार्ड सामने वाले को ट्रांसफर कर दिए गए हैं यानी फाइनेंस लीज है। क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, इस असेट की ओनरशिप सामने वाले को ट्रांसफर हो जाएगी लीज टर्म खत्म होने पर, मैंने उसको असेट लीज पे दी 10 साल के लिए और साथ में बोला 10th ईयर के एंड में ये असेट तेरे नाम पे हो जाएगी, यानी एक तरीके से ये असेट उसी की हो गई है, बस अब मेरा कुछ बचा है कि इस असेट में रोल कुछ नहीं बचा, यानी इसकी ओनरशिप उसी के पास है, तो यानी उसको ही सारे रिस्क और रिवार्ड मिलेंगे। मैंने लेसी को एक ऑप्शन दिया 10th ईयर तक इसकी लीज टर्म है और 10th ईयर के बाद तू चाहे तो ये असेट मुझसे खरीद लेना 5 लाख रुपीज में, जो कि मुझे लग रहा है कि इसकी फेयर वैल्यू 10th ईयर के एंड में 8 लाख रुपीज रहेगी। तो सामने वाले को मैंने ऑप्शन दिया 5 लाख में खरीदने का, तो आप खुद सोचो 8 लाख की 10 साल के बाद इसकी फेयर वैल्यू रहेगी आपको लग रहा है, और 5 लाख का मैंने ऑप्शन दिया तो ऑब्वियसली बात है वो इसे खरीदना चाहेगा 5 लाख रुपए में, क्योंकि मार्केट में तो 10 लाख की मिल रही है ये, तो यानी लेसी परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा, और परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा तो यानी ये असेट उसी की हो जाएगी, सारे रिस्क और रिवार्ड उसे ही मिल जाएंगे। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, जो लीज टर्म है जितनी लीज टर्म के लिए मैंने दिया है वो इस असेट की मेजर पार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ को कवर कर लेता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो असेट है ये 50 साल के लिए, हाँ मान लीजिए 10 साल के लिए यूज में आ सकती है, 10 साल के लिए ये यूज में आ सकती है,
और जिसमें से मैंने सामने वाले को 8 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया, तो मेजर पार्ट उसी को तो काम में आ रहा है, मेजर बेनिफिट तो वही ले पाएगा। तो सर मेजर का क्या मतलब है, मेजर पार्ट मतलब कितना लाइफ का, इंडेक्स ने कहीं डिफाइन नहीं किया, प्रैक्टिकली आप अपनी अजम्पशन से देखेंगे। बाकी आईसीआई क्वेश्चन में क्या फॉलो करता है, 50% से ज़्यादा मेजर मान लेते हैं, यानी 10 ईयर की यूजफुल लाइफ है। और 6 ईयर्स के लिए भी मैंने लीज पे दे दिया तो मैं मानूंगा मेजर पार्ट के लिए मैंने लीज पे दिया है, यानी फाइनेंस लीज है। इसके बाद एक और कंडीशन है, चौथी कंडीशन क्या है, पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स बाय लेसी सब्सटेंशियली कवर्स द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट इंसेप्शन डेट। लेसी से जो मुझे लीज पेमेंट मिलेंगे वो उनका अगर मैं पीवी करके देखूं तो आज के दिन जो इस एसेट की फेयर वैल्यू है सब्सटेंशियली उसको वो कवर कर रहे हैं। मान लो ये एसेट आज के दिन 15 लाख रुपए की है, फेयर वैल्यू 15 लाख की, यानी किसी को बेचूं तो 15 लाख मिलेंगे। लेकिन किसी लेसी को मैंने इसे लीज पे दिया और उससे जो मुझे पेमेंट मिलने वाले हैं उसको मैंने पीवी करके देखा ना, तो वो आया 14 लाख रुपीज सपोज। तो यार मैंने सामने वाले लेसी से उतना ही अमाउंट वसूल कर लिया जितनी फेयर वैल्यू थी, यानी एक तरीके से मैं उसे असेट पूरी बेच दी, एक तरीके से सारे रिवार्ड उसको ट्रांसफर कर दूंगे, तभी तो इतना पैसा वसूल कर पा रहा हूँ उससे। तो यानी अगर पीवी ऑफ लीज पेमेंट सब्सटेंशियली इसकी फेयर वैल्यू को कवर कर लेते हैं इंसेप्शन डेट पे, तो आप मान लो कि फाइनेंस लीज है। सर सब्सटेंशियली का क्या मतलब है, कहीं डिफाइन नहीं है, इसे हम ग्रेटर देन अगर 90% होगा, ग्रेटर देन 90% होगा तो सब्सटेंशियली मानेंगे। इसके अलावा लास्ट कंडीशन, जो असेट मैं लीज पे दे रहा हूँ वो इस लेसी के अलावा किसी और के लिए काम में आ ही नहीं सकती है, अगर वो लीज से वापस आएगी मेरे पास तो कचरे में ही जाएगी, मेरे कोई काम की नहीं है, किसी और के काम की नहीं है, यानी एक तरीके से इस असेट का सारा बेनिफिट वही ले सकता है, तो यानी ये फाइनेंस लीज है। बस इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो फाइनेंस लीज, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। अब अकाउंटिंग कैसे करेगा लेसर ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में, वो समझ लो फटाफट से। ऑपरेटिंग लीज में अकाउंटिंग कैसे करेगा, बहुत सिंपल अकाउंटिंग है, रेंट की अकाउंटिंग है, रेंट की इनकम आनी है। तो असेट के मैंने बेनिफिट उसको ट्रांसफर नहीं करें, सारे रिस्क और रिवार्ड उसको ट्रांसफर नहीं करें, यानी असेट आज भी मेरी बुक्स में कंटिन्यू रखूंगा मैं। ऑपरेटिंग लीज में मैं मेरी बुक्स में असेट कंटिन्यू रखूंगा और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता रहूंगा नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाले से मुझे 1 लाख रुपीज़ के मान लो लीज पेमेंट मिलेंगे, ये मैं P&L में ओवर द पीरियड इनकम बुक करूंगा ऑन SLM बेसिस। हर साल मान लो मुझे 1 लाख मिलेंगे तो एंट्री क्या पास करूंगा, बैंक टू लीज इनकम 1 लाख 1 लाख, और लीज इनकम कहाँ चला जाएगा, P&L, और मेरी जो असेट है उस पर मैं हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करता रहूंगा। SLM बेसिस का क्या मतलब है, देखो इसका एक एग्जांपल और दिया था मैंने, ऐसा हो सकता है फर्स्ट ईयर में 100 का पेमेंट मांग रहा हूँ, सेकंड ईयर 150, थर्ड ईयर 70, फिर 80 का पेमेंट, इस तरीके से पेमेंट मांग रहा हूँ। तो ये टोटल पेमेंट्स का मैं एवरेज पेमेंट पता कर लूंगा पर ईयर का क्या बनता है, उतना पेमेंट मैं लीज इनकम के नाम से P&L में लेके जाऊंगा, बाकी जो भी पेमेंट मुझे कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा वो एक्रूड इनकम हो जाएगा या अनअर्न्ड इनकम हो जाएगा, ये मैंने बता दिया था। बाकी ऑपरेटिंग लीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, तो इस पर फोकस करने की जरूरत भी नहीं। अब आ जाइए लेसर फाइनेंस लीज में अकाउंटिंग कैसे करेगा, लेसर फाइनेंस लीज में अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा समझिए, बहुत सिंपल है फाइनेंस लीज में अकाउंटिंग। फाइनेंस लीज किसे बोल रहे हैं, जब सारे बेनिफिट सब्सटेंशियली सारे बेनिफिट सामने वाली पार्टी को मैंने ट्रांसफर कर दिए, सामने वाली पार्टी को सब्सटेंशियली इस असेट के सारे बेनिफिट ट्रांसफर कर दिए, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये असेट मैंने उसे बेच दी, मेरे पास इस असेट का ना कोई बेनिफिट है ना कोई इस असेट की रिस्क है, तो यानी मेरे पास ये असेट चली गई है, मैंने ये असेट बेच दिए, ये मानता हूँ मैं। फाइनेंस लीज में आप क्या मानते हैं कि आपने एक तरीके से असेट बेच दिए, तो असेट बेचते हैं तो क्या करते हैं, असेट क्रेडिट कर देते हैं, तो मैं असेट क्रेडिट कर दूंगा किस पे, कैरिंग अमाउंट पे, असेट खत्म कर दूंगा मेरी बुक्स में से, पीपी या जो भी असेट होगी वो मेरी बुक्स में से कैरिंग अमाउंट पे खत्म हो जाएगी, और बुक्स में से असेट चली गई तो फ्यूचर में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। तो सर एंट्री में एक पोर्शन तो समझ में आ गया, कमेंसमेंट डेट पे क्या करूंगा मैं, टू असेट अकाउंट कैरिंग अमाउंट पे डेबिट क्या करूं, डेबिट क्या करूं, क्या असेट जो मैंने बेची है फ्री में बेची है, नहीं सर, तो पैसा मिला है, पैसा अभी तो नहीं मिला है सर, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, लीज के पेमेंट के फॉर्म में लेसी मुझे देगा, तो मुझे लीज के पेमेंट के फॉर्म में एनुअली कुछ पैसा मिलने वाला है, तो वो मेरी असेट होगी, वो मेरे लीज पेमेंट जो भी मुझे लेसी से मिलने वाले हैं वो मेरी असेट है, तो मैं असेट बुक करूंगा रिसीवेबल, रिसीवेबल मुझे पैसा मिलने वाला है, लेकिन कैसा रिसीवेबल है, लीज रिसीवेबल, तो लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ये एंट्री होगी, असेट कैरिंग अमाउंट से जाएगी और लीज रिसीवेबल डेबिट कितने से होगा, जो भी मुझे लेसी से पेमेंट मिलने वाला है लेकिन वो फ्यूचर में मिलेगा तो उसका पीवी कर लूँ, यानी पीवी ऑफ लीज पेमेंट पे असेट बुक कर लूँगा, डिफरेंस इन एंट्री गेन या लॉस इन लीज हो जाएगा, डिफरेंस इन एंट्री गेन या लॉस इन लीज हो जाएगा जो P&L में जाएगा। यानी जब आप असेट बेचते हैं तो भी तो ऐसा ही होता है, असेट चली जाती है कैरिंग अमाउंट पे, बैंक से पैसा आ जाता है और डिफरेंस इन एंट्री गेन या लॉस ऑन सेल होता है, सेम वही चीज़ हो रही है, यानी असेट बेचने की अकाउंटिंग। मैंने क्या बोला, लीज रिसीवेबल डेबिट करेंगे पीवी ऑफ लीज पेमेंट से, ये एक बार समझाने के लिए बोला है, लेकिन इसमें और कुछ भी आपको देखना पड़ता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है लीज रिसीवेबल को आप बुक करोगे नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज पर, ये क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बार बाकी चीजें देख लेते हैं। आप क्या करोगे, लीज रिसीवेबल पीवी के फॉर्म में रिकॉर्ड किया, कंप्रेस फॉर्म में, मान लो मुझे सामने वाले से 1 लाख रुपीज 10 ईयर्स तक मिलने वाले थे तो 10 लाख मिलते, इसको पीवी करके मैंने 7 लाख पे रिकॉर्ड कर लिया। अब मेरी बुक में डेटर कितने का दिख रहा है, 7 लाख का,
क्या मैं सामने वाले से 7 लाख मांगता हूँ या 10 लाख? 10 लाख मांगता हूँ मैं, 1 लाख करके 10 ईयर्स तक। तो मुझे इसे कंप्रेस फॉर्म को खोलना पड़ेगा। किसी भी कंप्रेस चीज को खोलना है तो फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस इनकम चार्ज करके खोला जाता है, इंटरेस्ट चार्ज करके। तो यानी मेरा असेट था, डेटर था, इसे खोलना है तो डेटर बढ़ेगा, लीज रिसीवेबल बढ़ेगा, लीज रिसीवेबल डेबिट अकाउंट। टू क्या होगा आपका? इंटरेस्ट इनकम या फाइनेंस इनकम अकाउंट, यानी इंटरेस्ट की इनकम होगी। यहाँ पे वही अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओ, ईयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ लीज रिसीवेबल प्लस इंटरेस्ट एट डिस्काउंटिंग रेट माइनस एक्चुअल पेमेंट रिसीव्ड अंडर लीज, फिर आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज रिसीवेबल। ये एक तरीके से लीज रिसीवेबल को अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगी टेबल। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? लीज रिसीवेबल डेबिट नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज के बराबर, जिसे मैंने शॉर्ट में लिखा NIIL। टू असेट कैरिंग अमाउंट डिफरेंस इन एंट्री गेन या लॉस इन लीज P&L में चला जाएगा। हर साल मैं क्या करूंगा? लीज रिसीवेबल को अनवाइंड करूंगा, लीज रिसीवेबल टू फाइनेंस इनकम P&L में चला जाएगा और हर साल मुझे लीज की इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो बैंक टू लीज रिसीवेबल। अब देखो, मैंने आपको बताया कि लीज रिसीवेबल को NIIL पे रिकॉर्ड करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो ये क्या होता है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज? तो यहाँ पे देखो, अब एक थोड़ी सी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देनी पड़ेगी तब समझ में आएगा मेरे को इस पर्टिकुलर असेट से क्या मिलने वाला है। सर, लेसी से पेमेंट मिलेंगे, लीज पेमेंट, उसके PV पे रिकॉर्ड करने के लिए मैंने बोला था। वो तो तब होता है जब मैं इसको असेट एक तरीके से बेच रहा होता। मैं असेट क्या वाकई में बेच रहा हूँ? वाकई में तो असेट बेच नहीं रहा, मैं वाकई में लीज पर दे रहा हूँ। 10th ईयर के एंड में ये असेट मेरे पास आ सकती है, 10th ईयर के एंड में ये मेरे पास आ सकती है। मान लो अगर मैंने उसे कोई परचेज ऑप्शन नहीं दिया तो, और परचेज ऑप्शन दिया और वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो मेरे पास आएगी ये असेट 10th ईयर के एंड में। यानी असेट एक तरीके से बेची नहीं है, फिर भी मैं बेचने की अकाउंटिंग क्यों करता हूँ? क्योंकि मैंने सारे इसके रिस्क और रिवार्ड ऑलमोस्ट सामने वाले को ट्रांसफर कर दिए, तो एक तरीके से बेचने की अकाउंटिंग करता हूँ। तो अब मैं जब बोल रहा हूँ कि मेरी असेट चली गई है, मैं पूरी कैरिंग अमाउंट को खत्म कर रहा हूँ, असेट को खत्म कर रहा हूँ। तो जब असेट को खत्म कर रहा हूँ तो इससे मिलने वाले सारे पेमेंट या सारे डेटर डेबिट होने चाहिए। तो सर, इस असेट से क्या क्या मिलेगा? अब मान लो मैंने ये मान लिया असेट में बेच रहा हूँ, तो इसे क्या क्या मिलेगा? एक तो लेसी से जो पेमेंट मिलेंगे वो, इसके अलावा देखो क्या होगा, लेसी से पेमेंट मिलेंगे, 10th ईयर के एंड में असेट वापस आएगी और इसे मैं मार्केट में कबाड़ में बेचूंगा तो क्या मिलेगी? UGRV। मार्केट से जो मुझे रेजिडुअल वैल्यू मिलती है उसे मैं क्या बोलता हूँ? अनगैरेंटीड रेजिडुअल वैल्यू, UGRV, वो भी तो मिलेगी मुझे 10th ईयर के एंड में। तो यानी सर, इस असेट से दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो लीज पेमेंट मिलेगा और एक UGRV मिलेगी। तो इन दोनों का PV कर लो, वो होता है आपका NIIL नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। क्यों आया ये अमाउंट वो मैंने आपको बता दिया। तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज पे आपका लीज रिसीवेबल डेबिट होता है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। सर, PV किस रेट से करेगा लेसर? इम्प्लीसिट इंटरेस्ट रेट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जो कि लेसर की IRR होती है उससे PV करेगा। इसके लिए कोई सेकंड प्रायोरिटी होगी भी नहीं, क्यों? मैं लेसर हूँ, मुझे मेरी IRR ही नहीं पता होगी क्या, मेरे को क्या रिटर्न चाहिए? तो लेसर को हमेशा अपनी खुद की IRR से, यानी इम्प्लीसिट इंटरेस्ट रेट से PV करना पड़ेगा। ठीक है, ये होती है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। बस हो गई लेसर की अकाउंटिंग। एक दो चीज़ और बतानी है, वो देख लो। UGRV क्या होती है? टोटल रेजिडुअल वैल्यू क्या नजर आ रही थी हमको? एक्सपेक्टेड 10 लाख। लेसी से क्या मिल जाएगी? 8 लाख GRV। तो 2 लाख क्या है? UGRV जो मार्केट से मिलेगी। बस इसके अलावा एक और चीज़ देखो, जो टोटल लीज पेमेंट है जो मुझे मिलेंगे 1 लाख करके 10 ईयर्स तक, यानी 10 लाख रुपीज़, और UGRV कितनी है? 2 लाख रुपीज़ की जो मिलेगी मुझे। तो इसको अगर मैं टोटल कर दूं विदाउट PV, तो इसे मैं बोलता हूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। यानी टोटल लीज पेमेंट और UGRV विदाउट PV अगर मैं देखूं तो उसे बोला जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, GIIL और NIIL। इन दोनों के डिफरेंस को आप बोलते हैं अनअर्न फाइनेंस इनकम। इन दोनों के डिफरेंस को आप बोलते हैं अनअर्न फाइनेंस इनकम। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कभी कि अनअर्न फाइनेंस इनकम बताओ ये क्या होती है। देखो, अब टोटल मुझे पैसा कितना मिलेगा सर? लेसी से तो 10 लाख रुपीज़ मिलेंगे और UGRV मिलेगी 2 लाख, जिसको मैं PV पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। PV पर रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? जो टोटल पेमेंट मिलेगा उसमें से इंटरेस्ट हटा दूँ तो PV अमाउंट आ जाता है। तो PV पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टोटल पेमेंट है ये 20 लाख है सपोज, 10 लाख लीज पेमेंट और 2 लाख GRV यानी 12 लाख है, और PV अमाउंट सपोज इनका आ रहा है 9 लाख, यानी 3 लाख का क्या पोर्शन था? इंटरेस्ट का पोर्शन था, जो मैंने हटाया होगा तब PV आया होगा। तो 3 लाख का क्या है? इंटरेस्ट का पोर्शन, यानी फाइनेंस इनकम। फाइनेंस इनकम, ये फाइनेंस इनकम क्यों है? क्योंकि ये पोर्शन कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? लीज रिसीवेबल में PV करके रिकॉर्ड हुआ है, और धीरे धीरे जब इसे इंटरेस्ट चार्ज करके खोलेंगे तो इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 3 लाख का वो इंटरेस्ट लगेगा फ्यूचर में, जो हम हर ईयर में P&L में लेके जाएंगे। तो 0 टाइम पे अगर मैं पूछूं कि P&L में मेरी फाइनेंस इनकम ओवर द पीरियड कितनी जाएगी, उसे ही हम बोलते हैं अनअर्न फाइनेंस इनकम, जो अभी तो P&L में गई नहीं है पर ओवर द पीरियड जाने वाली है। तो इसको पता लगाने का सिंपल सा तरीका है, टोटल पेमेंट देख लो क्या मिलने वाले, यानी GIIL माइनस कर दो PV ऑफ पेमेंट, यानी NIIL, तो आपकी आ जाएगी अनअर्न फाइनेंस इनकम। एक एग्जांपल देख लो, मैंने एक असेट फाइनेंस लीज पर दी 3 ईयर्स के लिए, एनुअल लीज रेंट मुझे मिलेगा 1 लाख रुपीस का एट एंड ऑफ ईच ईयर, एक्सपेक्टेड GRV जो लेसी से मिलेगी वो लग रही है मुझे 20,000 और जो मार्केट से मिलेगी वो मुझे लग रही है 30,000 UGRV, डिस्काउंटिंग रेट 10% है, यानी मेरी
IRR और कैरिंग अमाउंट मेरी बुक्स में आ रहा है 250,000 फर्स्ट ईयर के जनरल एंट्री। सबसे पहले नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज पता करूँ, लीज रिसीवेबल का अमाउंट कैसे आएगा, लीज के पेमेंट का पीवी करूँ 1 लाख और 20,000 की GRV लेसी से। GRV भी तो लीज पेमेंट होती है जो लेसी से मिलता है, इसका पीवी क्या आया 263620। इसके अलावा मैं NIIL में क्या आता है UGRV 30,000 वो भी कम मिलेगी लीज टर्म खत्म होने पर, तो उसको पीवी किया, तो ये दोनों ऐड करने के बाद NIIL आ गई मेरी 286150। अब मैं लीज रिसीवेबल को हर साल खोलूंगा तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करके खोलता जाऊंगा, एक्चुअल पेमेंट करता जाऊंगा, एक दिन क्लोजिंग बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो इसे खोलूंगा तो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तो हर साल इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद टोटल 3 ईयर्स में देखो कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ 63850। यही है अनअर्न फाइनेंस इनकम, पर इसको निकालने का शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया, GIIL माइनस NIIL, वो अभी वेरीफाई भी करवा दूंगा। देखो जनरल एंट्री कैसे पास करोगे, लीज रिसीवेबल बुक कर लिया आपने NIIL पे, असेट चली गई कैरिंग अमाउंट पे, डिफरेंस इन एंट्री गेन या लॉस इन लीज। इसके बाद फर्स्ट ईयर एंड में फाइनेंस इनकम चार्ज करी लीज रिसीवेबल पे और बैंक से इंस्टॉलमेंट मिल गई। अनअर्न फाइनेंस इनकम निकालने का शॉर्टकट GIIL क्या है, टोटल पेमेंट क्या मिलने वाला है लेसी से और UGRV। लेसी से मिलेंगे 1 लाख 3 ईयर्स तक, 3 लाख प्लस 20,000 की GRV जो लेसी से मिलेगी। इसके अलावा मार्केट से क्या मिलेगी UGRV 30,000 की, तो ये हो गया GIIL टोटल 3,50,000। माइनस NIIL क्या है, आपने पता किया था 286150, ये माइनस कर दो, आपका अनअर्न फाइनेंस इनकम आ गई है 63850। यहाँ से मैंने वेरीफाई भी करवा दिया आपको 63850। अब देखो फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग डीलर लेसर कैसे करेगा, ये क्या केस है सर, डीलर लेसर का क्या केस है फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग डीलर लेसर। डीलर लेसर वो इंसान होता है जिसका धंधा है, जिसका बिजनेस है असेट को लीज पर देना। मेरा बिजनेस है इस पर्टिकुलर असेट को लीज पर देना, मान लो मेरा बिजनेस नहीं है इस असेट को लीज पर देना, फिर भी मैं किसी को रेंट पे दे देता हूँ ये असेट, तो अकाउंटिंग कैसे करूंगा, जो अभी मैंने बताई लेसर उस तरीके से अकाउंटिंग करेगा। पर मेरा धंधा है इस असेट को लीज पर देना, तो अकाउंटिंग कैसे करूं, तो सर सेम अकाउंटिंग करोगे फाइनेंस लीज में जो आपने पढ़ी है, पर दो कंपोनेंट और एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इसे कमेंसमेंट डेट पे। वो कंपोनेंट क्या होंगे और उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये वाला ही अपना अगर एग्जांपल लें तो लीज रिसीवेबल मैंने कितना बुक किया था 286150 और टू असेट मेरी कितनी चली गई थी 250,000, तो एंट्री तो यही पास होगी। इस एंट्री में दो कंपोनेंट और आएंगे, डेबिट में COGS और क्रेडिट में सेल्स। वो क्यों आ रहे हैं, देखो मेरा धंधा है असेट को लीज पर देना, अगर मेरा धंधा है असेट को लीज पर देना तो मेरा धंधा है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आना चाहिए, P&L में बाई सेल तो कभी आ ही नहीं पाएगा। अगर मैं नॉर्मल यही अकाउंटिंग करूंगा तो क्या आएगा, इस एंट्री में डायरेक्ट गेन लॉस मिलेगा जो P&L में अदर इनकम या अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। किसी भी इंसान का अगर कुछ धंधा होता है तो उसे ग्रॉस प्रॉफिट भी आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है सेल वैल्यू से, तो मेरी सेल्स तो तभी आएगी ना, मेरा जो धंधा है लीज का उसमें मैं अगर कोई सेल रिकॉर्ड करूं तो मेरे को एक सेल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कितने की सेल रिकॉर्ड करूं, सेल क्रेडिट होती है। सेल बताओ कितने की रिकॉर्ड करोगी, सेल आप कितने की रिकॉर्ड करते हो, जो आप सर्विस देते हो गुड्स देते हो उसके बदले जो पैसा मिलता है, तो मैंने लीज की सर्विस दी उसके बदले क्या मिल रहा है NIIL, ये तो मिल रहा है लीज रिसीवेबल, यानी लीज रिसीवेबल 286150 की सेल बुक कर लो और कैरिंग। हाँ अब देखो मैं जब सेल करता हूँ किसी भी आइटम की, जब मैं सेल करता हूँ किसी भी आइटम की सेल करता हूँ तो उसके लिए मेरे पास उसकी COGS भी होती है, उसका गुड्स भी होते हैं। P&L अगर आप ट्रेडिशनल याद करो तो ओपनिंग स्टॉक परचेजेज इधर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक परचेजेज और क्लोजिंग स्टॉक को सेट ऑफ करने के बाद आपको मिल जाती है COGS, तो डेबिट में आती है COGS P&L में और क्रेडिट में सेल्स। तो सेल्स आ रही है तो COGS भी आनी चाहिए, COGS भी आनी चाहिए, तो COGS किसके बराबर होगी, जो मैंने सेल्स करी है उसकी COGS क्या होगी, मैंने असेट लीज पे दिया फाइनेंस लीज तो इसकी कॉस्ट क्या थी, इस असेट की जो भी कैरिंग अमाउंट था वही इसकी कॉस्ट थी, तो इसका कैरिंग अमाउंट कितना 2,50,000। यानी डेबिट में आप डाल दोगे 2,50,000, क्रेडिट में डाल दोगे 286150, एंट्री भी मैच हो जाएगी और आपका प्रॉफिट लॉस सेम ही आएगा। प्रॉफिट लॉस आप देख लेना बिल्कुल एज इट इज सेम आएगा, कैसे, COGS P&L में डाल देना डेबिट में, सेल्स P&L में, क्रेडिट में डाल देना, ग्रॉस प्रॉफिट आपका यही निकल के आएगा 36150। बस अब की बार क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट में आ गया। और नॉर्मल अगर मैं फाइनेंस लीज पे देता हूँ मेरा बिजनेस नहीं है तो ये नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में जाता है, P&L की कैलकुलेशन में, अदर इनकम में जाता है ये, और अभी कहाँ चला जाएगा, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाएगा ये प्रॉफिट। बस इतना फर्क होता है, प्रेजेंटेशन का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, प्रेजेंटेशन का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब बस जो मैंने अमाउंट बताया ना उस अमाउंट में कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, वो छेड़छाड़ समझ लो। मैंने सेल्स का अमाउंट क्या बोला, NIIL के बराबर कर लेंगे क्योंकि यही तो पैसा मिलने वाला है, वही तो सेल्स होती है जो आपको कंसीडरेशन मिलेगा। लेकिन इंडेक्स 115 क्या बोलता है, जो कंसीडरेशन आपको प्रोबेबल है मिलेगा वही आप रिकॉर्ड करो,
तो यूजीआर भी पक्का थोड़ी ना मिलेगा, मैं ये असेट मार्केट में बेचूंगा तो ही मिलेगा यूजीआर भी, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यानी बस केवल जो लेसी से मिलेगा वही कंफर्म है। यानी यूजीआर की पीवी जो इसके अंदर इंक्लूडेड है वो हटा दो, यूजीआर की पीवी जो इसके अंदर इंक्लूडेड है वो हटा दो। यानी एक तरीके से सेल्स किस पे आती है, पीवी ऑफ लीज पेमेंट पे आती है बस। तो अगर आप सेल्स में से पीवी ऑफ यूजीआर हटा रहे हो तो सीओजीएस में भी वो हटानी पड़ेगी, क्योंकि सीओजीएस उसके पैरेलल आती है। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट में भी आपको पीवी ऑफ यूजीआर हटा देना है। एंट्री आपके सामने मैंने नोट डाउन कर दी, गेन लॉस कैसे आएगा, सेल्स माइनस सीओजीएस गेन लॉस हो जाएगा, बस सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क हो रहा है। अगर डीलर लेसर का क्वेश्चन हो तो आपको ये 7 स्टेप्स लगाने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बहुत ईजी है। सबसे पहले NIAL पता कर लो, लीज रिसीवेबल, इसके बाद आप कैरिंग अमाउंट चेक कर लो कितना है, फिर थर्ड स्टेप में सेल्स पता कर लो, फोर्थ स्टेप में सीओजीएस पता कर लो, फिफ्थ स्टेप में गेन लॉस इन लीज पता कर दो, सिक्स्थ स्टेप में आप फाइनेंस इनकम लीज रिसीवेबल पे कितनी होगी और लीज रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस हर ईयर एंड में कितना होगा अमोर्टाइजेशन टेबल के अकॉर्डिंग, वो आपको पता करना है। और सेवंथ स्टेप में आपको जनरल एंट्री पास कर देनी है क्वेश्चन में पूछी है तो। अब देखिए लेसर लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग कैसे करेगा, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली इररेलीवेंट है, कोई काम का नहीं है, वो अभी आप समझ जाओगे पढ़ के। मान लो मैं लेसर हूं, मैंने एक बार ऑपरेटिंग लीज दिखा दिया और इस लीज के कॉन्टेक्ट में कभी मॉडिफिकेशन होता है, लेसर और लेसी मिलकर मॉडिफिकेशन करते हैं, तो जिस दिन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना उस दिन आप क्या मान लो, अभी तक जो कॉन्टेक्ट चल रहा था वो सेपरेट था, वो टर्मिनेट हो चुका है और अब जो हम मॉडिफिकेशन किए हैं इसके बाद एक नया कॉन्टेक्ट चालू हुआ है। यानी अभी तक का कॉन्टेक्ट टर्मिनेट हो गया और अभी हमने नया कॉन्टेक्ट किया, तो नए कॉन्टेक्ट की अकाउंटिंग कर लोगे पुराने को टर्मिनेट करके, बिल्कुल फालतू अकाउंटिंग है। लेकिन अगर अभी तक मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था लीज का जिसको मैं फाइनेंस लीज दिखा रहा था और इसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ उसकी वजह से एरिया इंक्रीज हुआ और एरिया इंक्रीज हुआ तो उस एरिया की प्राइस भी इंक्रीज हुई एसएसपी से, तो आप इसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान लो, लेसी भी ऐसा ही कर रहा था, तो इसमें कोई बात ही नहीं करनी आपको। दूसरा क्या हो सकता है, फाइनेंस लीज पे मैं दिखा रहा था, मॉडिफिकेशन ऐसा हुआ इसकी वजह से जो क्लासिफिकेशन है वो इसका चेंज हो जाना चाहिए ऑपरेटिंग लीज में, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, फाइनेंस लीज पे दिखा देते तो लीज रिसीवेबल बुक्स में आ रहा होगा उसको आपको डी रिकॉग्नाइज कर देना है उसके कैरिंग अमाउंट पे, और ऑपरेटिंग लीज क्लासिफिकेशन करना है तो असेट मेरी बुक्स में आनी चाहिए, तो असेट वापस से डेबिट कर लोगे आप जितना लीज रिसीवेबल खत्म किया उतने ही अमाउंट से, यानी उसका कैरिंग अमाउंट, यानी क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा, अब आप ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग करने लग जाओगे एकदम फालतू। अदरवाइज अगर ये भी सिनेरियो नहीं है, बाकी सब सिनेरियो में आपको क्या करना है, फाइनेंस लीज पे आप असेट दिखा देते हैं मॉडिफिकेशन हुआ है और इन केसेस में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल असेट की जो आप मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग करते हो एज पर इंडियस 109 सेम वो अकाउंटिंग करनी है। तो हम फाइनेंशियल असेट इंडियस 109 में सीख लेंगे, तो अभी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए लेसर का मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं होते, एकदम फालतू है, आप इग्नोर कर सकते हैं। अब देखो कुछ स्पेशल केसेस जैसे इंडियस के अपन कंप्लीट करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस और बताता है इंडिया, सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट इन ए कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, मान लीजिए मैंने एक असेट मशीन लीज पे ली 10 साल के लिए, तो मैंने उसे बोला मशीन तो लीज पे दे दो साथ में इसकी मेंटेनेंस भी तुम कर देना 10 साल तक, मेंटेनेंस भी तुम कर देना। यानी मैंने इसके अंदर दो चीज़ें ली हैं सामने वाले से, एक असेट लीज पे ली है और एक मेंटेनेंस सर्विसेज लीज पे ली है, कॉन्ट्रैक्ट एक ही हुआ है, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लीज कंपोनेंट अलग करना पड़ेगा और नॉन लीज कंपोनेंट अलग करना पड़ेगा, मुझे किसे, लेसी को या लेसर को, तो लेसी को भी और लेसर को भी दोनों को करना पड़ेगा। पहले मैं लेसर की बात कर लेता हूं, देखो मैंने एक असेट लीज पे दी मशीन और साथ में मैं सामने वाले को मेंटेनेंस सर्विस देने की बात भी कर रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक हुआ है, तो इसमें जो कंसीडरेशन मिल रहा है इसे आपको दोनों में एलोकेट करना पड़ेगा, लीज और नॉन लीज में। क्यों, क्योंकि जो लीज में मैंने असेट दिया उस पर तो इंडियस 116 लगाऊंगा मैं, और जो मैंने नॉर्मल मेंटेनेंस सर्विसेज दिया उस पर इंडियस 115 लगाऊंगा, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो इसके लिए आपको कंसीडरेशन को दोनों में एलोकेट करना पड़ेगा इन रेशियो ऑफ देयर एसएसपी, एसएसपी क्या होती है 115 में बता रखी है मैंने, उस रेशियो में आप एलोकेट कर दो, बिल्कुल सिंपल सी बात होती है ये। इसके बाद लेसी हूं मैं, मैंने असेट लीज पे ली, साथ में सामने वाले को बोला मेंटेनेंस सर्विसेज भी दे दो, तो यानी सामने वाले को जो भी मैं पेमेंट दूंगा, जो पेमेंट मैं देने वाला हूं उस पेमेंट में दोनों के लिए पैसा दे रहा हूं, लीज के लिए भी और मेंटेनेंस सर्विस के लिए भी, तो मुझे भी इस पेमेंट को बाइफरकेट करना पड़ेगा एसएसपी के रेशियो में। जो लीज के लिए मैं पेमेंट दे रहा हूँ हर साल उस पर, तो इंडियस 116 के अकॉर्डिंग आरओयू असेट वाली अकाउंटिंग लगा दूंगा, और जो अदर पेमेंट है नॉन लीज वाला पेमेंट है वो मेरे लिए खर्चा है नॉर्मल, तो जब जब मैं वो खर्चा करता जाऊंगा वो पीएनएल में डालता जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद इस इंडियस ने एक एग्जेम्पशन दी है लेसी को कि वो चाहे तो लीज और नॉन लीज कंपोनेंट अलग ना करे, किसको दिए ये एग्जेम्पशन, सिर्फ लेसी को, लेसी को लगता है प्रैक्टिकली एक्सपीडियंट है, दिक्कत का काम है तो अलग ना करे, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लीज का ही मान ले, तो सर लेसर को क्यों नहीं दी, देखो लेसर को क्या है, एक कंपोनेंट लीज वाले पे तो 116 लगाना है और दूसरे पे 115 लगाना है, दोनों पे सेपरेट इंडियस अवेलेबल है और 115 तो रेवेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट इंडियस है,
तो यानी उसको तो सेपरेट करना ही करना पड़ेगा, पर लेसी के साथ क्या हो रहा है, लीज पे ली उस पर तो आर ओ यू एस एट लगा लेगा। जो नॉन लीज कंपोनेंट है वो तो उसके लिए नॉर्मल खर्चा है जिसका कोई इंडेक्स नहीं है, वो तो पी एंड एल में चला जाएगा। तो यार उसके लिए क्या अलग अलग करवाओगे, इतनी मेहनत का काम है सर। एग्जाम में तो बहुत सिंपल काम होता है पर प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मेहनत का काम। इसलिए इंडेक्स ने लेसी को बोला तू चाहे तो अलग मत करना, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट बोल के रहने देना, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लीज का ही कंपोनेंट मान के लीज की अकाउंटिंग लगा देना तू तो, ठीक है। चलिए सेकेंड स्पेशल केस, सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक देखो क्या होता है, बहुत सिंपल है ये भी। मैं एक सेलर हूँ, मेरे पास एक मशीन है, सपोज मेरे पास एक मशीन है, ये मशीन मैंने सामने वाले को बेच दी, ये मशीन मैंने सामने वाले को बेच दी, ये मशीन मेरी थी मैंने सामने वाले को बेच दी और सामने वाले को बेची गई बेची तो उससे मुझे पैसा मिला होगा, उससे मुझे पैसा मिला होगा। और हाथ की हाथ मैंने ये मशीन उससे लीज पर ले ली, पहले ये मशीन मेरी थी मैंने इसको बेची, बेचने पर पैसा मिला और हाथ की हाथ ये मशीन मैंने वापस इससे लीज पर ले ली, इसे बोला जाता है सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट। तो यहां पर मैंने मशीन बेची तो मैं क्या हुआ, सेलर, पर हाथ के हाथ मैंने इसे लीज पर भी लिया हुआ है तो मैं अपने आप को बोलूंगा सेलर लेसी। सामने वाला कौन है, मशीन बाय करने वाला बायर, लेकिन उसने हाथ के हाथ मुझे मशीन लीज पर दे दी तो वो क्या हो जाएगा, बायर लेसर, बायर लेसर। समझ में आया, तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अब इसमें अकाउंटिंग कैसे करोगे, अकाउंटिंग करने के लिए देखो सबसे पहले तो ये चेक करो क्या इस पर्टिकुलर असेट का कंट्रोल, जब मैंने इसको बेचा सामने वाले को तो क्या इसका कंट्रोल उसको दिया, सामने वाले को जब इस असेट को बेचा तो क्या इसका कंट्रोल उसको दिया। मान लो आपको बोल रखा है कि इसका कंट्रोल मैंने उसको नहीं दिया, कंट्रोल कैसे पता करोगे, कंट्रोल की डेफिनेशन अपन ने ऑलरेडी देखी हुई थी, 115 वगैरह सब जगह डिस्कस किया कि इस पर्टिकुलर असेट को कैसे यूज में लेना है, कहाँ यूज में लेना है, कब यूज में लेना है, किसके कंट्रोल में है, कैसे कौन यूज में लेगा, सब उसके कंट्रोल में है। तो यानी वो उस पार्टी के पास कंट्रोल है। तो क्या मैंने इस असेट का कंट्रोल सामने वाले को दे दिया, क्या इस असेट का कंट्रोल सामने वाले को दे दिया, मुझे आंसर मिलता है मैंने उसको कंट्रोल नहीं दिया। तो मैं यानी मैंने क्या किया, मैंने उसको सेल करी उससे पैसा लिया, असेट वापस लीज पर ले ली, लेकिन अभी तक उस वाली पार्टी के पास इसका कंट्रोल नहीं है। तो यानी दिखावे के लिए, एक पेपर पर दिखावे के लिए मैंने सेल ट्रांजैक्शन बोल दिया और हाथ के हाथ लीज पे लेने का ट्रांजैक्शन कर लिया, पर एक्चुअल में सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन है ही नहीं, मैंने कोई सेल ही नहीं करी है। मैंने अगर किसी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम कराया तो यानी उस पार्टी के पास इसका कंट्रोल आना चाहिए ना, उस पार्टी के पास इसका कंट्रोल आना चाहिए ना, लेकिन उस पार्टी के पास इसका कंट्रोल आ ही नहीं रहा है। यानी इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में कोई सेल हुई नहीं है, यानी ये ट्रांजैक्शन सिर्फ दिखावे का ट्रांजैक्शन, एक बार सब्सटेंस में जाके समझो, इंडिया सब्सटेंस की बात करता है। मेरे पास एक असेट थी, वो बेची, पैसा आया, असेट वापस ली लीज पर, अब फ्यूचर में बस लीज पेमेंट करता रहूँगा सामने वाले को। यानी असेट आज भी मेरे पास है, बस एक बार पैसा मिल गया और फ्यूचर में लीज पेमेंट मुझे करते रहना है। यानी एक तरीके से आपने लोन लिया है और कुछ नहीं किया, असेट को मॉर्गेज रख के, असेट को प्लेज करके आपने लोन लिया है बस, और कुछ नहीं किया। यानी इसे लोन ट्रांजेक्शन मानो, लोन की अकाउंटिंग करो एज पर इंडिया 109, कोई काम का नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया 109 लोन की अकाउंटिंग बताएगा तो वहीं बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वो एग्जाम में आएंगे, तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोन हो जाएगा नॉर्मल। जो भी आपको बैंक से पैसा मिला सेल करने पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट कर लोगे और लोन की अकाउंटिंग करते जाओगे एज पर इंडिया 109। अब आ जाइए दूसरा केस जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ओरिजिनल सेल एंड लीज बैक का केस। मैंने असेट बेची और उसके बाद लीज पर ले ली, तो जब मैंने सामने वाले को असेट बेची तो उसके पास कंट्रोल चला गया था, उसके पास कंट्रोल चला गया था, यानी वास्तव में मैंने असेट उसे बेची थी और उसके बाद मैंने उसे लीज पे ली, ठीक है। तो यानी वास्तव में सेल एंड लीज बैक का ट्रांजेक्शन है, तो अब इस पे इंडेक्स 116 लगेगा। तो ऐसा क्यों किया होगा, हो सकता है मुझे पैसे की जरूरत है तो मैंने एक बार असेट बेची और कुछ टाइम के लिए लीज पे ले ली, मान लो असेट चल सकती है 50 साल के लिए, लेकिन मैंने उसको सामने वाले को बेच दी असेट और उसे लीज पे ले ली 10 साल के लिए, क्योंकि मुझे पैसे की भी जरूरत थी और असेट केवल मुझे 10 साल के लिए काम आनी थी, मुझे असेट की जरूरत केवल 10 साल के लिए और थी। तो यानी मैंने उसको कंट्रोल दे दिया, 10 साल के लिए बस लीज पे ले ली, ठीक है। तो पैसे का अरेंजमेंट भी हो गया और असेट जितने टाइम के लिए चाहिए थी बस उतने टाइम के लिए मेरे को मिल भी जाएगी। तो ये ओरिजिनल सेल एंड लीज बैक का ट्रांजेक्शन है, जब कंट्रोल आप सामने वाले को पास कर देते हो सेल करते टाइम, तो उस केस में आप अकाउंटिंग कैसे करोगे। तो सेलर लेसी कैसे अकाउंटिंग करेगा और बायर लेसर कैसे करेगा, दोनों देखनी है। मेजर फोकस होगा सेलर लेसी की अकाउंटिंग पे, बायर लेसर की तो फालतू अकाउंटिंग है, सेलर लेसी की समझ लो जो मैंने आपको समझाई थी। देखो बहुत सिंपल अकाउंटिंग है, तीन सिनेरियो होंगे, तीनों सिनेरियो में अकाउंटिंग बताने वाला हूँ। सबसे पहला केस, अगर मैंने जो असेट है उसको बेचा है, सेलिंग प्राइस वो उसकी फेयर वैल्यू के बराबर है, जो मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था उसी से मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो मैंने असेट बेची है वो उसकी फेयर वैल्यू के बराबर बेची है, जो भी उसकी फेयर वैल्यू है उतने पे ही बेच दी है। मतलब फेयर वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, आज के दिन इस असेट को मार्केट में नॉर्मली बेचने जाएं तो कितना पैसा मिलेगा, आज के दिन इसकी वर्थ कितनी है, तो 100 रुपये की असेट की फेयर वैल्यू है और 100 रुपये में ही मैंने सामने वाले को बेच दी और लीज पर ले ली, कैरिंग अमाउंट बुक्स में 80 रुपये का है। तो बताओ आप क्या एंट्री पास करोगे कमेंसमेंट डेट पे, बस वही जाननी है, वही इसकी अकाउंटिंग है, बहुत सिंपल अकाउंटिंग है। आपको क्या हुआ आज के दिन, सोचो लेसी के पास क्या हुआ, सेलर लेसी के पास मैंने असेट बेची, पैसा आया, बैंक डेबिट कर दो, कितना पैसा आया, 100 में बेची तो 100 आया,
मेरे पास से क्या चली गई, असेट। तो असेट खत्म कर दो, किस पे, कैरिंग अमाउंट। जब भी असेट खत्म करनी होती है, लाइबिलिटी खत्म करनी होती है, तो कैरिंग अमाउंट पे तो होती है, खत्म कर दो कैरिंग अमाउंट। इन दोनों में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन के डेटा उठाना है। इसके बाद क्या होगा, असेट बेचने के तुरंत बाद ही मैंने उसे लीज पर भी ले लिया, असेट बेचने के तुरंत बाद ही मैंने उसे लीज पर भी ले लिया। तो सर लीज पर लिया है तो दो चीजें होती हैं क्या, एक तो लीज लाइबिलिटी क्रिएट होती है और एक आरओयू असेट क्रिएट होती है। तो आरओयू असेट डेबिट होगी और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, ये दो आइटम होंगे। इनका अमाउंट कितना आएगा सर, लीज लाइबिलिटी का अमाउंट बताओ कैसे आता है, जो भी मैं फ्यूचर में लीज पेमेंट करने वाला हूं उसका पीवी कर लो। तो बस फ्यूचर में लीज पेमेंट का पीवी कर लो। सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं सामने वालों को 10-10 रुपीस पर एनम 10 इयर्स के लिए पे करने वाला हूं, उसका एक पर्टिकुलर डिस्काउंटिंग रेट से पीवी करके मैंने अमाउंट अज्यूम किया है 87। ठीक है, कहां से आया मत पूछो, मैंने अज्यूम अमाउंट लिखा है पीवी ऑफ लीज पेमेंट 87। जो भी लीज पेमेंट आपको दे रखा होगा उसका पीवी कर लो, बस वही तो अमाउंट है, वो आप लिख दो। अब सर आरओयू असेट कितनी बुक करें, सर आरओयू असेट लीज लाइबिलिटी के अमाउंट के बराबर आती है और कुछ एडजस्टमेंट होते हैं लीज पेमेंट बिफोर कमेंसमेंट डेट वगैरह के, वो और करने होते हैं। ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा एक बार के लिए मानो। तो सर आरओयू असेट कितने पे आनी चाहिए, लीज लाइबिलिटी के अमाउंट के बराबर यानी 87। पर सर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बस यही एक ट्विस्ट है सेल एंड लीज बैग में, ये समझ आ गया तो कुछ नहीं बचता इसके अंदर। वो क्या है देखो, ये असेट जो असेट मैंने सामने वाले को बेची और फिर वापस से लीज पे ली, उसको मैं कितने पे दिखाना चाह रहा हूँ आरओयू असेट को, 87 पे। पर आप मेरे को एक बात बताओ, ये असेट मेरी बुक्स में भी तो थी पहले, ये वही तो असेट है जो मेरे पास थी, मैंने बेची और वापस लीज मिली। तो जब ये मेरी बुक्स में थी आपको मालूम है इसका कैरिंग अमाउंट कितना था, 80 रुपये। और अब ये असेट में जब मैं वापस से लीज पर ले रहा हूँ, जब मैं ये असेट लीज पर ले रहा हूँ तो मैं कितने पे रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, 87 पे आरओयू असेट बुक करना चाह रहा हूँ। यानी मेरी असेट जब मेरी बुक्स में 80 रुपये की थी, इसे मैंने बेचा और लीज पर लिया, तो अब मेरे लिए ये 87 की हो गई। इतना भेदभाव, ये तो गलत बात है। यानी आरओयू असेट को अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रपोर्शन ऑफ कैरिंग अमाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन ये कभी कभी हो सकता है, इसलिए इन्होंने ऐसा बोला, ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है मान लो ये लीज लाइबिलिटी 60 आ गई, फिर आप बोलो सर आरओयू असेट फिर तो डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेना, नहीं आपको हमेशा एडजस्टमेंट करना है। वो क्यों करना है सोचो, लीज लाइबिलिटी 87 के से जो भी लीज पेमेंट मैं करूंगा उसका पीवी। लीज पेमेंट क्यों, कैसे डिसाइड करें, हमने जो भी मार्केट में फेयर वैल्यू चल रही होगी उसके बेसिस पे लीज पेमेंट डिसाइड करे होंगे। तो जो लीज लाइबिलिटी आई है वो फेयर वैल्यू पर आई है, लेकिन मेरी बुक्स में जो असेट पहले थी वो कैरिंग अमाउंट पे थी। तो ये बोलते हैं कि आरओयू असेट वही तो असेट आपके पास वापस आई है, तो इसको उसी कैरिंग अमाउंट के प्रपोर्शन में रिकॉर्ड करो। तो सर 87 पे रिकॉर्ड होनी चाहिए आरओयू असेट, नॉर्मली आप लोग बोलते हैं, लेकिन ये आरओयू असेट किस पे है, फेयर वैल्यू पे बेस है। फेयर वैल्यू कितनी है, 100, ये रही। और कैरिंग अमाउंट असेट का कितना था, 80 रुपये। बस इस प्रपोर्शन में रिकॉर्ड करना है, लीज लाइबिलिटी मल्टीप्लाई बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ असेट, आरओयू असेट का अमाउंट मिल जाएगा। डिफरेंस इन एंट्री क्या हो जाएगा, गेन या लॉस ऑन सेल एंड लीज बैग। क्रेडिट में बसता है तो गेन ऑन सेल एंड लीज बैग, डेबिट में बसता है लॉस ऑन सेल एंड लीज बैग। अकाउंटिंग कंप्लीट। बताओ इतना ईजी होता है सेल एंड लीज बैग, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे तो बस फिर जैसे आरओयू असेट को आप डेप्रिशिएट करते जाइए, लीज लाइबिलिटी को खोलते जाइए हर साल, और वही नॉर्मल अकाउंटिंग होती रहेगी। तो केस वन एकदम सिंपल होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है, और यही चीज़ मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी है। केस वन में क्या करेंगे, सेलर लेस इनिशियली कैश बैंक रिकॉग्नाइज करेगा जो पैसा मिल रहा है, असेट डी रिकॉग्नाइज कर देगा कैरिंग अमाउंट को, डेप्रिशिएशन लगाना बंद कर देगा क्योंकि असेट बचेगी नहीं मेरे पास। लीज लाइबिलिटी पीवी ऑफ लीज पेमेंट पे रिकॉर्ड कर लूंगा, जिसे हर साल फाइनेंस कॉस्ट लगा के खोलता जाऊंगा। आरओयू असेट कितनी रिकॉर्ड करूंगा, लीज लाइबिलिटी मल्टीप्लाई बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ असेट, और इस आरओयू असेट पे अब डेप्रिशिएशन लगाऊंगा। डिफरेंस इन एंट्री इन चार आइटम में जो भी डिफरेंस रहेगा एंट्री में, वो मेरे लिए गेन या लॉस और सेल एंड लीज बैक हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये एंट्री मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी। अब केस टू समझ लो, बस केस टू पे ही क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो केस टू पे ही आएगा। वो केस क्या है, केस टू है अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है फेयर वैल्यू से। इसका क्या मतलब है, देखो इसको भी मैंने एग्जांपल से बताया था आपको। सेल्स वैल्यू है 130, मैंने असेट सामने वाले को बेच दी 130 रुपये में, लेकिन इस असेट की आज के दिन इज्जत कितनी है, इज्जत का मतलब है फेयर वैल्यू, वर्थ कितनी है, 100 रुपये। जो 100 रुपये का माल है वो सामने वाले को 130 में चिपका दिया, क्या बना दिया उसको मैंने, नहीं वो बनाया नहीं है, वो समझदार इंसान है, कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है, रेशनल पर्सन है। तो फिर वो सर 130 में खरीदने को क्यों तैयार हो गया, 100 रुपये के माल को। बाद में उससे लीज बैक तो मैं ले ही रहा हूँ, लेकिन 100 रुपये के माल को वो 130 में खरीदने को क्यों तैयार हो गया। तो देखो ट्रांजेक्शन को सब्सटेंस में जाके समझो, हुआ क्या होगा, मुझे 130 रुपये की जरूरत थी, तो मैंने उसे बोला ये भाई ये मशीन ले ले, प्लीज़ गिरवी रख ले, और ये मैं तुझसे वापस लीज पे ले लूँगा, 100 रुपये की वैल्यू की मशीन है। तो उसने बोला 100 रुपये की वैल्यू की मशीन है तो 130 क्यों दूँ। मैंने उसे बोला एक काम कर, 100 रुपये की तो मशीन है ना, तो ये मैं तुझे बेच रहा हूँ, इसके बदले 100 रुपये दे दे, प्लस 30 रुपये और दे दे लोन के नाम पर, क्योंकि मुझे तो चाहिए थे 130 रुपये। तो मैंने 100 रुपये की मशीन बेची तो 100 रुपये वो मिले, और 30 रुपये जो मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं वो मेरे लिए क्या है, लोन है। यानी जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी सेल एंड लीज बैक में, जब भी सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज़्यादा होगी, तो समझ जाना जो एडिशनल कंपोनेंट है वो क्या है, लोन का कंपोनेंट है, लोन लाइबिलिटी है।
तो बस केवल ये चेंज है और बाकी सब सेम है। तो अब एंट्री क्या करोगे, देखो बैंक से पैसा कितना मिलेगा 130, ये तो आया सेलिंग प्राइस। असेट कितने की चली गई, कैरिंग अमाउंट 80 पर चली गई। इसके अलावा अब देखो लोन का अमाउंट, लोन कितना है मेरा, लोन मैंने कितना लिया 30 रुपीज़ का, ये मानेंगे आप सेलिंग वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू 30 रुपीज़ का मेरा लोन है ये मानना आपको। तो लोन की लाइबिलिटी है तो टू लोन अकाउंट, लोन को इंडियस टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इंडियस 109 में अपन पढ़ेंगे। तो ये 30 रुपीज़ का आपका लोन रिकॉर्ड हो गया। अब क्या करें सर, वही आरओयू एसेट, मैंने लीज पे वापस लिया तो आरओयू एसेट डेबिट होगी, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। कितने अमाउंट होगी सर, सर लीज लाइबिलिटी पीवी ऑफ लीज पेमेंट, फ्यूचर के लीज पेमेंट का पीवी कर लो। अब की बार अब आप गलत हो थोड़ा सा अब और दिमाग लगाओ। सब्सटेंस की बात कर रहे हो तो पूरा डिटेल में जाकर ट्रांजेक्शन को एनालाइज करो। देखो हो क्या रहा है, लीज पेमेंट जो फ्यूचर में मैं करूँगा वो किस लिए कर रहा हूँ सर, मैंने स्टार्टिंग में असेट सामने वाले को, इस बार देखो तीन केस किए हैं, असेट बेची तो पैसा आया, एक तो असेट बेची, दूसरा काम मैंने उससे 30 रुपये का लोन लिया है, याद है ना आपको 30 रुपये का लोन लिया है, तीसरा काम मैंने असेट उसे लीज पर ले ली। इस ट्रांजेक्शन में तीन ट्रांजेक्शन हुए हैं, एक तो असेट बेची, दूसरा 30 रुपये का 30 रुपीज़ का लोन है, और तीसरा मैंने असेट लीज पर ली है। तो यानी सर 30 रुपये का उससे मैंने लोन लिया है, और जो मैंने असेट लीज पर ली है तो असेट लीज पे लिया उसका मुझे एनुअल पेमेंट करना पड़ेगा, और जो लोन लिया है क्या वो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, तो उसका भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। यानी सामने वाले को जो मैं एनुअल पेमेंट कर रहा हूँ, सपोज एनुअल पेमेंट है वही 10 रुपये पर एनम का 10 ईयर्स के लिए, 10 रुपीज़ पर एनम का 10 ईयर्स के लिए। तो सर अब की बार जो मैं 10 रुपीज़ का सामने वाले को पेमेंट कर रहा हूँ ना, इस पेमेंट में दो कंपोनेंट है, एक तो मैं उसे जो लोन ले रखा था 30 रुपये का उसके लिए पेमेंट कर रहा हूँ, और एक दूसरा मैंने उससे जो असेट लीज पे लिया उसके लिए पेमेंट कर रहा हूँ। यानी 10 रुपये में दो कंपोनेंट है, एक तो लोन के लिए पेमेंट कर रहा हूँ और एक लीज के लिए पेमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे वो बाइफरगेट करना पड़ेगा। यानी मेरा एनुअल पेमेंट जो 10 रुपीज़ का है, अगर उसका मैं पूरा पीवी कर लेता हूँ तो वो पीवी पता मुझे क्या देगा, टोटल लाइबिलिटी देगा, टोटल लाइबिलिटी यानी लोन की लाइबिलिटी भी और लीज की लाइबिलिटी भी। तो वो पीवी क्या मान लो वो आया 87 रुपीज़। तो अब बताओ इसमें लोन की लाइबिलिटी कितनी है लीज की, सर लोन की तो ऑलरेडी मुझे पता चल गई थी जीरो टाइम पर ही, सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू को कंपेयर करके 30। तो यानी टोटल लाइबिलिटी जब 87 है और लोन की लाइबिलिटी 30 है, तो बाकी बची 57 किसकी होगी, लीज की लाइबिलिटी। तो लीज लाइबिलिटी इस केस में कैसे निकालेंगे आप, पीवी ऑफ एनुअल पेमेंट्स माइनस लोन लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी, बहुत सिंपल है। अब आरयू एसेट कैसे निकालना है, सिंपल है ये, तो वही लीज लाइबिलिटी ले लो मल्टीप्लाई बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ असेट, डिफरेंस इन एंट्री गेन या लॉस ऑन सेल एंड लीज बैक। खत्म हो चुका है केस टू, बस इसी पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, जो आपको कंप्लीट करवा दिया, बहुत ईजी था, देख लो यहाँ पे नोट किया हुआ है। सबसे पहले कैश बैंक रिकॉग्नाइज करेंगे, जो सेल का पैसा आया डीरिकॉग्नाइज कर देंगे, जो असेट चली गई इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी बुक होगी कितनी, फेयर वैल्यू और सेल्स वैल्यू में जो भी डिफरेंस है उतनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी बुक होगी। और फाइनेंशियल लाइबिलिटी है तो इसकी भी सेम लीज जैसी अकाउंटिंग होती है इंडियस 109 में अपन देखेंगे, इस पे भी फाइनेंस कॉस्ट आपको अनवाइंड करनी पड़ेगी, वो सब अपन 109 में देख लेंगे। इसके बाद लीज लाइबिलिटी बुक होगी कितने अमाउंट की, पीवी ऑफ एनुअल पेमेंट्स टोटल लाइबिलिटी देगा माइनस फाइनेंशियल लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी बुक हो जाएगी, ये अनवाइंड होगी हर साल। आरओयू एसेट बुक कितनी होगी, लीज लाइबिलिटी मल्टीप्लाई बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, इस पे आप हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। इसके बाद एंट्री में जो भी ये पांच कंपोनेंट आ रहे हैं, इस बार पांच कंपोनेंट आते हैं एंट्री में, इनमें जो भी डिफरेंस होगा वो गेन और लॉस हो जाएगा सेल एंड लीज बैक पर, जो कि पीएनएल में चला जाएगा। आपको एक चीज और बता दूं, इसमें देखो एंट्री तो यहां पे लिख रखी है, इसमें और कोई दिक्कत है नहीं। बाकी जो आप एनुअल पेमेंट्स करोगे, मैंने बोला वो एनुअल पेमेंट दोनों चीजों के लिए, एक लोन के लिए एक लीज के लिए, तो सर लोन के लिए एक अलग अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी, क्योंकि भाई इसका अलग बैलेंस चलेगा ना, इसको अलग से अनवाइंड करना है, इसका अलग से पेमेंट। और एक लीज है उसकी एक अलग अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी, क्योंकि इसका एक पेमेंट होगा, इसका बैलेंस निकलेगा हर साल, तो दोनों की अलग अलग टेबल बनेगी, तो दोनों की टेबल में एक्चुअल पेमेंट का कॉलम जाएगा। तो क्या दोनों में 10-10 रुपये डाल दोगे, फिर तो सब कुछ खत्म, गलत बात है। 10 रुपये तो दोनों के लिए है, दोनों का टोटल है, लोन के लिए और लीज के लिए। तो अब उसमें 10 रुपये में से पता करो लोन रिलेटेड पेमेंट कितना है, लीज रिलेटेड पेमेंट कितना है, तो उसको बाइफरगेट करना पड़ेगा 10 रुपये को। कैसे बाइफरगेट करोगे, लीज लाइबिलिटी के लिए कितना पेमेंट है, टोटल एनुअल पेमेंट कितना 10 रुपये, मल्टीप्लाई बाय लीज लाइबिलिटी कितनी रिकॉर्ड करी डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पीवी ऑफ एनुअल पेमेंट। अब लोन लाइबिलिटी के लिए पेमेंट कितना हो रहा है हर साल, एनुअल पेमेंट मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लाइबिलिटी डिवाइड बाय पीवी ऑफ एनुअल पेमेंट, सेम। ठीक है, समझ में आता है आपको, बस यही था केस टू, इसकी अकाउंटिंग आती है। केस थ्री फटाफट से समझ जाओगे, कुछ नहीं है, इसकी अकाउंटिंग का क्वेश्चन भी नहीं है और आने के चांसेस भी नहीं रहते। सेलिंग प्राइस ऑफ असेट कम है और फेयर वैल्यू ऑफ असेट ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है फेयर वैल्यू ज़्यादा है। इसका एग्जांपल 100 रुपीज़ की फेयर वैल्यू है, 90 रुपीज़ में बेचा, यानी मेरे पास 100 रुपये की असेट मैंने बेची और 90 रुपये कलेक्ट करे, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सामने वाले को एक तरीके से ये असेट वापस से लीज पर भी तो लिए, मैं ये मानूंगा जो 10 रुपीज़ मैंने कम लिए हैं वो एक तरीके से मैंने लीज पेमेंट कर दिया बिफोर कमेंसमेंट डेट, वो मैंने क्या कर दिया लीज पेमेंट कर दिया बिफोर कमेंसमेंट डेट, जो 10 रुपीज़ का पेमेंट है ये अज्यूम कर लूंगा। तो सर क्या करेंगे, कैश बैंक से पैसा आया असेट चली जाएगी,
लीज लाइबिलिटी किस पे रिकॉर्ड करूंगा, जो फ्यूचर में लीज पेमेंट होने वाले हैं उसके पीवी पर उसे अनवाइंड करते रहेंगे। आरओयू एसेट किस पे बुक करूंगा, सर आरओयू एसेट कैसे निकालते हैं, लीज लाइबिलिटी प्लस लीज पेमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट डेट ऐड होता है आपको याद हो तो। लीज पेमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट डेट कैसे निकाला इस केस में अपन ने, फेयर वैल्यू माइनस सेल्स वैल्यू, फेयर वैल्यू 100 सेल्स वैल्यू 90 यानी 10 रुपीज। तो ये टोटल आपकी आरओयू एसेट बुक होनी चाहिए। पर अब की बार हम कैसे बुक करते हैं, प्रोपोर्शनेट सेल एंड लीज बैक में हम आरओयू एसेट कैसे बुक करते हैं, कैरिंग अमाउंट के प्रोपोर्शन में। तो मल्टीप्लाई बाय कैरिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, सेम वही हो जाएगा। इस पर डेप्रिसिएशन लगाते रहो और हर साल इस एंट्री में जो भी गेन लॉस रहे, इस एंट्री में जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको हो जाएगा गेन या लॉस ऑन सेल एंड लीज बैक। इसी के साथ आपका ये केस 3 भी कंप्लीट हो चुका है सेल एंड लीज बैक का। बायर लेसर कैसे अकाउंटिंग करेगा सेल लीज बैक की, फटाफट से देख लो। देखो बायर लेसर को कुछ नहीं करना, एक बार तो असेट खरीदेगा, असेट खरीदेगा तो असेट बुक करेगा अपनी बुक्स में, फेयर वैल्यू पर बुक करेगा। इस पर फ्यूचर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा क्योंकि भाई मेरी असेट है। इसके बाद मैं पैसा पे करूंगा असेट परचेस करने के लिए, तो टू कैश या बैंक हो जाएगा। इसके बाद देखो अगर मैंने सेलिंग प्राइस इक्वल टू फेयर वैल्यू है तो एंट्री में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। लेकिन अगर सेल्स वैल्यू ज़्यादा है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट कम है, यानी मैंने सामने वाले से जो असेट लिए उसकी फेयर वैल्यू कम है, उसे पैसा ज़्यादा दिया है यानी उसे लोन दिया है, जब लेसी उसे लोन मान रहा था तो ये मानेगा मैंने लोन दिया है, तो ये लोन की असेट बुक कर लेगा, जिसे ये फाइनेंशियल असेट बोलता है इंडेस 109 के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल असेट बुक करेगा सेल्स वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू के बराबर, और इसकी फिर फाइनेंस इनकम बुक करता जाएगा, सेम 109 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग होगी। फिर अगर सेल्स वैल्यू कम है असेट की और फेयर वैल्यू ज़्यादा है, यानी मैंने सामने वाले को पैसा दिया है 90 रुपीज़ असेट का और असेट जो आई है उसकी फेयर वैल्यू है 100 रुपीज़, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस इन एंट्री जो है 10 रुपीज़। सामने वाले ने क्या किया था, लीज पेमेंट बिफोर कमेंसमेंट डेट यानी एडवांस लीज पेमेंट, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, अनअर्नड लीज इनकम, मेरे लिए हो जाएगा अनअर्नड लीज इनकम। ऐसा कोई केस है भी नहीं अपने पास। इसके बाद लेसर क्या करेगा, ये तो एंट्री होगी परचेस करने की, अब ये असेट मैं वापस से उसी को लीज पे दे रहा हूं, तो मैं देख लूंगा फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर दूंगा जो आपने ऑलरेडी सीख रखी है। इसी के साथ सेल एंड लीज बैक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड स्पेशल केस देख लो, सब लीज क्या होता है, मैं एक लेसर हूं, मैंने एक असेट लीज पे दी सामने वाले को, सामने वाले ने असेट लीज पर लेने के बाद किसी और को लीज पर दे दी, तो सामने वाले ने जब असेट किसी और को लीज पर दी, इस पोर्शन को बोलते हैं सब लीज, और मैंने जो इसको असेट लीज पे दी थी इसे बोलते हैं हेड लीज। मैं हूं ओरिजिनल लेसर, ये है ओरिजिनल लेसी, इसने जिसको लीज पर दी है वो थर्ड पार्टी है सब लेसी, सब लेसी वो थर्ड पार्टी है सब लेसी। ये बीच में जो पार्टी है ना जिसको मैंने लीज पर दी थी, इसको मैं बोल सकता हूं इंटरमीडिएट लेसर भी, क्यों, क्योंकि मेरे लिए ये लेसी था पर सामने वाली सब लेसी के लिए क्या है, लेसर, इसलिए इसे इंटरमीडिएट लेसर भी बोला जा सकता है। तो इसमें आपको जानना है इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है अपने पास और आने का कोई चांस भी नहीं है क्योंकि नॉर्मल अकाउंटिंग ही होने वाली है। मैं लेसर हूं तो मैं कैसी अकाउंटिंग करूंगा, फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज, सब लेसी कैसी अकाउंटिंग करेगा, उसने तो लीज पर असेट लिए तो वो आरओयू असेट वाली अकाउंटिंग कर लेगा। अब बीच वाला जो बंदा है इंटरमीडिएट लेसर, ये क्या अकाउंटिंग करेगा, बस ये देख लो, ये दो अकाउंटिंग करेगा, एक तो इसने मुझसे असेट लीज पे लिया तो आरओयू असेट अकाउंटिंग करेगा लीज पे लेने की, आगे इसने इसी असेट को लीज पर दे दिया तो ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज वाली लेसर वाली अकाउंटिंग भी इसको करनी पड़ेगी, यानी इसे दो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, बस ये इसमें आपको जानना था। अब देखो ये बीच वाला जो लेसर है ना, ये कैसे पता करेगा कि इसने जो सब लेसी को असेट दिए वो फाइनेंस लीज पर दिए या ऑपरेटिंग लीज, तो उसे पता करने का इस इंडेक्स ने तरीका बताया। इस केस में ये देखेगा कि ओरिजिनल लीज में रिमेनिंग लीज टर्म कितनी बच रही है, उसे ये कंपेयर करेगा सब लेसी को इसने कितने टाइम के लिए दिया है। एग्जांपल मान लीजिए मैंने इसे असेट दी थी 10 साल के लिए लीज पर, जिसमें इसने 6 ईयर्स तक पूरा काम में ले लिया और 6th ईयर के एंड में इसने किसी और पार्टी को 3 ईयर्स के लिए लीज पर दे दी, यानी रिमेनिंग लीज टर्म आज के दिन कितनी बाकी थी, ओरिजिनल 4 साल बाकी थी, और जिसमें से इसने 3 साल के लिए सामने वाले को यूज करने के लिए दे दिया यानी मेजर पार्ट के लिए दे दिया, तो इसके लिए फाइनेंस लीज है। कंपेयर किससे करता है, रिमेनिंग लीज टर्म इन ओरिजिनल लीज विद सब लेसी को कितने टाइम के लिए दिया। लास्ट स्पेशल केस, इसी के साथ इंडेस कंप्लीट है 116 ऑप्शनल एग्जेम्पशन टू लेसी। ये इंडेस लेसी को कुछ एग्जेम्पशन देता है, कुछ ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो इन केसेस में इंडेस 116 की अकाउंटिंग मत करना, यानी अगर मैंने कोई असेट लीज पर लिया शॉर्ट टर्म लीज पर, यानी 12 मंथ्स या उससे कम के टाइम के लिए लीज पर ली है, तो इंडेस मुझे लगाने की जरूरत नहीं है उस असेट की लीज पर, या फिर कोई असेट मैंने लीज पर लिया लो वैल्यू आइटम की। लो वैल्यू असेट क्या होती है, कहीं एक्सप्लेन नहीं है, ये आपको कंपनी टू कंपनी बेसिस देखना पड़ेगा। इसका मैंने एग्जांपल दिया कि एक कंपनी है मान लो जिसकी नेटवर्थ 1 लाख रुपए की और इसने कोई लैपटॉप लीज पर लिया 50-60 हज़ार का, तो इसके लिए वो लो वैल्यू आइटम नहीं है, तो इसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वही एक अंबानी की कंपनी है जिसकी करोड़ों लाखों करोड़ों में नेटवर्थ है, उसके लिए 50,000 का लैपटॉप लीज पर लेना एक बहुत छोटा सा आइटम है, तो उसके लिए लो वैल्यू असेट है, तो अंबानी चाहे तो उस पर इंडेस 116 ना लगाए, ऐसा ऑप्शन ये इंडेस देता है। तो ऐसा ऑप्शन क्यों दिया इंडेस ने लेसी को, ऐसा ऑप्शन सिर्फ लेसी के पास है, लेसर के पास नहीं है, लेसर को तो करनी ही पड़ेगी फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग। लेसी के पास ऐसा ऑप्शन क्यों है, क्योंकि देखो मैंने एक असेट लीज पे ली मान लो 2 महीने के लिए सिर्फ, अब 2 महीने के लिए मैं आरओयू असेट बुक करूँ, लीज लाइबिलिटी बुक करूँ, उसे फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करूँ, बहुत सारा काम करना है,
जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्वेश्चन में तो कुछ पता नहीं चलता, बहुत ईजी है क्वेश्चन, पर एग्जाम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए इंडेक्स ने बोला यार लेसी तो इतनी मेहनत मत कर, अगर शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू असेट की लीज है तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो एक काम कर, जब भी लीज पेमेंट पे करेगा उसको बैंक से पे करना और P&L में ट्रांसफर कर देना। मान लो मैं 1-1 लाख रुपीज़ पे करूँगा, 1-1 लाख रुपीज़ पे करूँगा लो वैल्यू असेट, मान लो 10,000 रुपीज़ पे करूँगा हर मंथ 10 मंथ्स तक, 10 मंथ्स की लीज है, तो 10,000 फर्स्ट मंथ पे करूंगा लीज पेमेंट टू बैंक 10,000, और ये 10,000 का जो लीज पेमेंट है ये P&L में खर्चा बुक कर लूंगा, बस बात खत्म। यानी इंडेक्स 116 लगाना ही नहीं है, ROU असेट लीज लाइबिलिटी कुछ नहीं बुक करनी है, नॉर्मल जैसे पे किया P&L में डाला, बस इतना काम करना है मुझे। तो इसी के साथ आपका इंडेक्स 116 का मैंने पूरा रिविजन करवा दिया है, तो अब आप इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन बैंक में मैंने आपको करवाए थे लेक्चर में उनको गो थ्रू कर लेना, सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आपको क्लास में मैंने नोट्स में करवा ही रखे हैं अलग से, आपने रजिस्टर बना ही रखा है जो स्टेप्स अपन ने सॉल्व किए थे, आप उनको गो थ्रू कर लेना आप क्वेश्चन को। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।